स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है ये आपका करियर गाइडेंस वेबिनार है। मैं पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि ये जो सेमिनार है ये हमने सेमिनार में गलत वर्ड बोल रहा हूँ, दिस इज वेबिनार। कोरोना ने काफी सारी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। तो पहले मैं महाराष्ट्र में सेमिनार लेने जाया करता था, आज मैं अपने ऑफिस के अंदर ही महाराष्ट्र में जाके वेबिनार ले रहा हूँ। ये जो हमारा आज का वेबिनार है ये हमने स्पेशली अरेंज किया है महाराष्ट्र में कॉलेज अमरावती में उन लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ही है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया कि आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। मैं आपको डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा आज के सेशन में, और कुछ आपकी कंफ्यूजन को बढ़ा भी दूंगा। मैंने ऐसा क्यों बोला बढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो जब आपको कहीं पे कुछ लेने जाना है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आज आपको लिखने के लिए पेन चाहिए, आपके पास 5 रुपए थे, आपने जाके बोला भाई साहब 5 रुपए वाला पेन दे दो, उसने दे दिया पेन और कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, आपने बोला भाई साहब 100 रुपए वाला पेन दिखाओ कोई, उसने 15-20 ऑप्शन दिखा दिए, आप कंफर्म कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये वाला लूं कि ये वाला लूं। मैं एग्जांपल पेन का दे रहा हूं, जनरली ऐसा हमारे साथ हमारे क्लोज या गारमेंट्स वाले केस में होता है, जब हम जाके 20 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट देख लेते हैं, वी आर अनेबल टू डिसाइड कि मुझे कौन सा लेना है। तो इसीलिए आपकी कंफ्यूजन में बढ़ा दूंगा, बिकॉज मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीएससी कर लिया तो एमएससी कर लो, बीएससी कर लिया तो एएफओ की तैयारी कर लो। नो, अपने लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि मेरे पास पूरे इंडिया में है क्या, हो सकता है कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हो या फिर यूनिक एजुकेशन ऐसी हो, एडुकेशन बोलते हैं इसे, सो यूनिक एजुकेशन कुछ ऐसा आपके पास हो जिससे क्या हो आप लोगों से अलग बन सके, लोगों से आगे जा सके। लेकिन बात ये ना कि इन चीजों को समझना तो पड़ेगा ना कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो मैं एक बात बता दूं पहले सभी को, मैं न्यूट्रल रहूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं एमएससी वाली साइड भी जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब वाली साइड भी जाऊंगा, मैं दोनों बातों को अच्छा और बुरा कहूंगा, बिकॉज हर किसी का अपना प्लस और अपना माइनस पॉइंट है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा हमेशा कहा जाता है, सुनो सबकी करो मन की। तो जैसे आपने बाकी लोगों की सुनी है ऐसे ही आज का एक घंटा मेरी भी सुन लेना। लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस करता हूं आज का सेशन आपको आपके करियर गोल्स डिसाइड करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला करियर गाइडेंस, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। वो ऑप्शंस जो भी होंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा आप ये करो या ये करो, मैं दोनों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दिखा दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा मुझे क्या करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर एग्जाम पैटर्न को, कि जो हमारे मेजर एग्जाम है बीएससी के बाद जो एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न क्या क्या, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, बिकॉज डिटेल में जाऊंगा तो फिर सेशन 4-5 घंटे चला जाएगा, मुझे विद इन 1 आवर खत्म करना है इसे। नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड, 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बस 2-3 ही, लेकिन उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा 10-15 मिनट का डाउट सेशन जो एक घंटे के बाद आपके लिए रिजर्व है, कि सर अभी भी ये डाउट्स रह गए प्लीज से क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको बता दूं ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा, हाल फिलहाल ये जूम पे है ताकि सब लोग कैमरा ऑन रखें और सामने हो कुछ पूछने के टाइम पे, लेकिन हाँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगी। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए, मैं जब भी कोई ऐसा सेशन लेता हूं तो नंबर बच्चों के पास मेरा होता है, मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज मत कीजिएगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो इसी नाम से है, होप सो आपको पता होगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा एक किस्सा कहानी सुनाऊंगा आपको, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क आपकी लाइफ में हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। मैं जब क्लास लेता हूं, ये तो मेरी पहली क्लास है बहुत सारे बच्चों के लिए, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट होंगे, सो जब पहली क्लास है तब भी मैं यही करता हूँ, वो एक बच्चा सो रहा था, मैंने उसको फटाफट से टारगेट कर लिया कि लेट के मत पढ़, क्लास ऑफलाइन हो या क्लास ऑनलाइन हो, बट क्लास तो क्लास रहेगी ना। क्या कभी ऐसा हुआ कॉलेज के अंदर कि बेड लगा दिया क्या वो, या तुम लेट जाओ अब सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ ना। तो हम लोग चीजों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना नहीं चाहिए, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इट इज अ क्लास। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, हमारी लाइफ में आपकी मेरी और पूरी दुनिया की बहुत सारे 99% लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, एक चीज है जो हावी हो चुकी है और उस चीज का नाम है कंफर्ट जोन।
उससे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, फिर आता हूं आपके पॉइंट पे कि आपको आफ्टर बीएससीएजी क्या करना है। एक बार एक राजा था, राजा ठीक ठाक रहता था, प्रजा थी, बहुत नाम था उसका, शोहरत थी उसके पास। लेकिन राजा ने एक चीज नोटिस करी कि मैं खुश नहीं रहता अंदर से, मुझे ऐसा नहीं कि यार मजा आ गया, मैं तो राजा बन गया, जिंदगी के मजे ले, ऐसा उसे कभी फील नहीं हुआ। उसने सोचा यार मुझे पैसा, मैंने ये सब किया क्यों, हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए, आज सब कुछ है लेकिन खुशियां मेरे पास नहीं। कहता मुझे खुश रहना, कुछ तो दिक्कत है। इस सोच के चक्कर में राजा बीमार पड़ने लग गया, सोचता रहा बीमार होने लग गया। बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारे डॉक्टर आए, बहुत सारी दवाइयां दी गई, राजा ठीक नहीं हुआ। राजा सब कुछ ट्राई कर करके परेशान हो चुका था। एक दिन एक बाबा जी मिले, बोले मैं ठीक कर दूंगा इनको, एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कहते इनको ना एक सुखी पर्सन जो है, जो हैप्पी पर्सन है, उसकी शर्ट या कुर्ता, कुछ भी कह लीजिए, है ना, उसकी शर्ट इनको पहननी पड़ेगी। सब लोग उस बाबा पे हंसने लगे, कहते ये कैसी बात कर दी यार, राजा है वो किसी की शर्ट क्यों पहने, पहनने से हो भी क्या जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राजा बहुत परेशान था, उसने सर इतना कुछ तो कर ही लिया, ये वाला काम भी करके देख लेते हैं एक बार। तो राजा ने ऐसा ही किया, बोला ठीक है मैं एक सुखी पर्सन, जो हैप्पी पर्सन है, उसकी शर्ट पहनने के लिए रेडी हूं। बोले चलो फिर भेजो और ढूंढो बंदा। वो जहां भी गए लोगों के पास जाते, पूछते क्या आप सुखी हैं? नहीं। क्या आप सुखी हैं? नहीं। क्या आप सुखी हैं? नहीं। किसी की शर्ट ही नहीं मिली। राजा परेशान हो गया, बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद जाता हूं। राजा खुद निकला महल से बाहर, प्रजा में ढूंढना शुरू किया, अपने एरिया से बाहर निकल गया, दूर गांव में चला गया। खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा था, किसान बहुत पसीना पसीना हुआ था। उससे कहा कि आप सुखी हैं? किसान हंसने लगा, कहता सर मेरी लाइफ में बहुत सुख है, सुबह आ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, भगवान की दया है, रोटी मुझे मिल जाती है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। राजा खुश हो गया था, फाइनली कोई तो मिल गया जो सुखी है, इसकी अब मैं शर्ट पहनूंगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। बोला कि भाई साहब आपकी शर्ट चाहिए मुझे, आप पैसे जो लेना चाहिए ले लें, ले लिए मेरे से। बोला सर शर्ट तो मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब किसान हूं, अपनी मेहनत की करता हूं, पसीना बहाता हूं और खाता हूं। राजा हैरान रह गया, अभी जब तक कोई सुखी नहीं मिला तो शर्ट मिली, और जब सुखी मिल गया तो उसका शर्ट ही नहीं है। अब राजा को समझ आ गया कि अल्टीमेटली लाइफ में खुश रहने के लिए परिश्रम, हार्डवर्क करना पड़ता है, बातों से कुछ नहीं होता, राजा बनने से कुछ नहीं होने वाला। हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो सुखी रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो शर्ट तो नहीं पहन पाया, लेकिन वो बाबा का मैसेज समझ गया। सेम मैसेज आपके लिए, आप जिस स्टेज पे भी हैं, आप बीएससी करने वाले हैं, आप बीएससी कर चुके हैं, आप एमएससी कर चुके हैं, आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, लाइफ में जहां पे भी हैं, ग्रोथ रिक्वायर्ड है, और ग्रोथ के लिए हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। अगर सपने आपकी आंखों के अंदर है तो वो बंद होने के बाद नहीं दिखने चाहिए, वो खुली आंखों में आपके सामने आने चाहिए कि मेरा सपना ये है और ये मैं करके रहूंगा। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पाए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो मैंने आपको बोला, मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाने वाला हूं, मैं आपको दोनों ऑप्शन देने वाला हूं कि आफ्टर बीएससी एजी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने वहां पर टाइटल भी डाला हुआ है, हम पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की कि मैं क्या कर सकता हूं सर। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, आप इस टाइम पे बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट है, आप 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर होंगे, नहीं तो आप कर चुके होंगे, चलो दोनों ही बातें, आप कैंडिडेट हैं या फिर आप कर चुके हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे। मैंने आपको बोला मैं दो सिनेरियो लेके चलूंगा, उसके बाद समझाऊंगा आपको क्या करना है, ताकि आप सेशन के एंड तक डिसाइड कर पाए कि मुझे क्या करना है। मैं दोनों ऑप्शन दिखाऊंगा। तो पहले एक ट्रेडिशनल ऑप्शन लेके चलता हूं, जो हर कोई करता है, नेचुरल सी बात है, बीएससी कर ली, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी मेरे पास, ऑफकोर्स सर मैं एमएससी करूंगा ना, तो ओके डांस। आपका स्टेप टू क्या आ गया, आपका स्टेप टू आ गया यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर, जो बीटेक है वो एमटेक करेंगे, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो एमएससी हॉर्टिकल्चर करेंगे, जो फॉरेस्ट्री है फॉरेस्ट्री करेंगे, अल्टीमेटली आप सभी के सभी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि एलाइड की बात करो वो भी तो एग्रीकल्चर में आता है। आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन। कुछ लोगों के माइंड में ऑप्शन जॉब है कि सर इसके बाद तो जॉब करूंगा, कुछ सोचे नहीं नहीं सर अभी तो एजुकेशन बाकी है। ओके ठीक है आपकी बात करते हैं, मैं जॉब वाली बात पे भी आऊंगा। लेट से आपने नेट और पीएचडी का सहारा लिया, रास्ता लिया, है ना, सहारा नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन आप अचीव कर लेंगे यहाँ पे आके, आपने एमएससी किया, आपने नेट पीएचडी किया, सर अब क्या करेंगे, अब तो सर खत्म हो गया, अब तो सर जो भी चाहिए मुझे, अब मैं तैयारी करूंगा, अब मैं फोकस हो जाऊंगा, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए। कुछ लोगों को लगता है जॉब नहीं है बिजनेस कर लूंगा, कुछ इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब हो से गवर्नमेंट जॉब ना हो, इसके बाद मेरी लाइफ सेट है सर, अब मेरी लाइफ के गोल्स क्या हो गया, अचीव हो गया, मेरी लाइफ अब क्या है, लीजिए सर आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई।
ठीक है, ये तो था फर्स्ट ऑप्शन आपकी लाइफ में कि आप इस अप्रोच से जा सकते हैं। हो सकता है ये अप्रोच यहां पे जाके चेंज हो जाए कि नेट पीएचडी ना करके आफ्टर एमएससी मैंने क्या किया, मैंने किसी एग्जाम की किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप टीचिंग करियर में जाना चाहते, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसकी नई गाइडलाइंस आ गया, उसको देखिएगा। उन्होंने कुछ एक सर्टन क्वालिफिकेशन जो है उसको असेंशियल कर दिया है, एमएससी वाले अब बच्चे एलिजिबल नहीं है, अब क्वालिफिकेशन हायर हो गई है। ये तो था पहला ऑप्शन, मैं इस अप्रोच से चला। नाउ कम टू सेकेंड ऑप्शन, मैं क्या करूंगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैं वही कैंडिडेट हूं जो बीएससी कर रहा है या करने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, होगी मेरी बीएससी एग्रीकल्चर। सर इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? सर एक काम करते हैं, अब ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा सा हट जाते हैं, मैंने पहले एमएससी बोला था लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है। तो हमने स्टेप टू के अंदर क्या कर लिया, हमने जॉब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, सर मैंने तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही करी है, एमएससी क्या सारी जिंदगी बीएससी रह जाऊंगा? ऐसा किसने बोला? जब गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, क्या उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो आपकी स्टडी है उसको परस्यू नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स यू कैन डू। कोरोना टाइम में तो कितना कुछ डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पे आ गया है, कितने सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। हाँ कुछ एक सब्जेक्ट के साथ लिमिटेशन है, वो रेगुलर ही होते हैं उनको नहीं, लेकिन हाँ आप मास्टर्स या फिर एमएससी बोले उससे सर डेफिनेटली कर सकते हैं। कब? जॉब के बाद, जब मेरे पास सिक्योरिटी है, मैंने बीएससी कर लिया, मेरे पास जॉब भी है, मैंने एमएससी भी कर ली, सर डन, लाइफ के गोल अचीव हो गए। अब आगे क्यों जाना, जब जॉब है तो उस फील्ड में ग्रो करेंगे ना, 40-45 से स्टार्टिंग करिए, प्रमोशन होते जाएंगे, एग्जाम देते जाएंगे, 70-80 हजार पहुंच जाएंगे, उस फील्ड में ग्रो करेंगे ना, अब यहां से ग्रो नहीं करना, डन, ओके फाइन। अब सोच के देख लो बेटर क्या लगा आपको, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू। मैं आपको सारी ही बातें बताऊंगा, मैंने पहले ही बोला हम बात करेंगे कि हमें कहां कहां पे कैसे कैसे जाना है, लेकिन अगेन मैंने जैसे शुरू में बोला मैं सारे ऑप्शन आपको देके जाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक सिनेरियो दिया आपको कि आप ऐसा या फिर ऐसा कर सकते हो। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या, हम सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहां पे क्या बोला गया, कहा गया एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो आप जब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके बाद मैं क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूं, जेआरएफ का नाम या फिर आईसीआर एआईडब्ल्यू है, इसका नाम सब लोग जानते हैं। और उसके बाद आपके स्टेट के अंदर जो एग्जाम होता है वो स्टेट के अंदर प्री पीजी राजस्थान में हो सकता है, यूपी कैटेट आपका यूपी के अंदर हो सकता है, एमसीएईआर महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है, या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम, लेकिन वो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है हमारी एसएयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वो कंडक्ट करवाती है। लेकिन उसके अलावा कभी सोचा क्या और ऑप्शन मेरे पास है? एंट्रेंस के नाम पे कोई नहीं है, या तो स्टेट या आईसीआर, मैक्सिमम कुछ और लोग होंगे तो बीएचयू को जानते होंगे, उसके अलावा कभी नए ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करी, जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं। मेजोरिटी जाती नहीं है, मेजोरिटी जहां जाती है वहां कॉम्पिटिशन बढ़ा देती है, और जहां मेजोरिटी नहीं जाती है वहां कॉम्पिटिशन आज भी कम है, और प्लेसमेंट होते ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट वहीं पर प्लेस हो जाते हैं वो। तो आई एम नॉट सेइंग कि एमएससी बहुत अच्छी है या एमएससी बहुत बुरी है, मैंने शुरू बोला सारे ऑप्शन बताऊंगा। तो एंट्रेंस की बात करते हैं, सबसे पहले तो आईसीआर जेआरएफ या फिर आईसीआर एआईईए से आप बोलिए, जो एमएससी से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, पैटर्न मैं आपको बताऊंगा उसका। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर स्पेशलाइजेशन चलता है, मतलब कुछ ऐसा कि ये एग्जाम जो है आपसे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ कुछ क्वेश्चन जनरल से भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिंगल सब्जेक्ट से आएंगे जो आपने चूज किया है, दैट कैन बी एग्रोनॉमी, दैट कैन बी होर्टी, एंटोपैथो या कुछ और भी हो सकता है। आईसीआर जेआरएफ एग्जाम आप बीएससी एजी के बाद दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो कॉम्प्लिकेटेड आजकल ऐसा है कि जहां तक मेरा मानना यह है कि टैलेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसकी मार्कशीट को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, बट इट्स ओके, है ना, उन्होंने डिसाइड किया तो शायद वो ज्यादा सुपीरियर लोग हैं, कुछ सोच समझ के डिसाइड किया होगा। वो डिसाइड ये किया है कि जो आईसीआर के अंडर में कॉलेज आते हैं वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, बाकी बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है, अगर आप आईसीआर के थ्रू नहीं ग्रेजुएट है, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। चलिए आप दे सकते हो और नहीं, एक ऑप्शन आपके पास हो गया। कम टू सेकेंड ऑप्शन, आपके स्टेट एग्जाम, जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, एमसीएईआर जो महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम होता है, उसके बाद यूपी कैटेट जो यूपी के अंदर एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम है, फिर प्री पीजी जो राजस्थान के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है, फिर मैंने यहाँ पे पेट लिखा, एक्चुअली पेट उसका नाम नहीं होता एमपी में,
वो यूनिवर्सिटी वाइज है, दो यूनिवर्सिटी अलग अलग लेती हैं, लेकिन हाँ एमपी के अंदर भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया जो हमारा स्टेट कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैट फॉर एबीएम, सर अब ये ऑप्शन नया है, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें जाइए, जैसे आप यहां से निकलेंगे 6 से 7 लाख के पैकेज की तो स्टार्टिंग है, अगर बहुत अच्छे हैं 15 से 20 लाख का पैकेज भी मिल जाता है, लेकिन बात ये ना तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना है, ना कभी सपना देखा है, और ना ही कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी है जो इसके बारे में तैयारी कर रहा है कुछ आपको बता सके। तो ऐसा ही होता है, हम लोग कॉपी पेस्ट फॉर्मूला लेते हैं कि जो उसने किया है वही मैं करूंगा, जिस रास्ते पे वो चला है मैं भी उसी पे चलूंगा। फॉलोअर्स बनना बड़ा आसान होता है, लीडर्स बनना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लीडर्स को अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, फॉलोअर्स तो पीछे पीछे चलते हैं। तो ये नहीं, अगेन मैं बोल दूं, मैंने ये नहीं कहा कि ये दो ऑप्शन बुरे हैं, जस्ट ये बोल रहा हूं कि ये ऑप्शन आपके पास नया है। कैट का एग्जाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दूं आपको, कैट जो है ये मेजर एक एंट्रेंस है जहां पे IIM की बात आएगी, है ना, IIM एडमिशन होते हैं तो कैट के थ्रू होते हैं। IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ, दो IIM है जो आपको ABM ऑफर करते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA कह दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ABM ऑफर करते हैं। लेकिन अब जब IIM के अंदर चले गए ना, पेपर तो एक ही होता है कैट का, है ना, आप एग्रीकल्चर से हैं बाकी लोग हैं, पेपर एक ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ में डिफरेंशिएट हो जाओगे, बिकॉज आपको जो सीट्स मिलने वाली हैं वो किसी और कैटेगरी में जाने वाले हो, और उनको जो मिलने वाली है वो एमबीए के लिए जाने वाले हैं। तो हम में से लोग जाने वाले एबीएम के लिए, और सच बता रहा हूं एबीएम में एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते ही नहीं। आप बोलोगे सर फिर कौन जाता है, एलाइड वाले यहां वाले लोग अवेयर होते हैं, लेकिन मेजर जो पोर्शन है ना ये जानता ही नहीं है इसके बारे में। आप भी, आपको भी पता, आप में से 95% जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ है। पहले IIM अहमदाबाद ने स्टार्ट किया था, अब IIM लखनऊ है, वो भी आपको ऑफर करता है ABM। और नेचुरल सी बात, अगर आपने नाम नहीं सुना ना, एक बार जाके इंटरनेट पे सर्वे करना कि IIM के पैकेज कहां से स्टार्ट होते हैं, सर 7-8 लाख से तो स्टार्टिंग होती है, लकी रहे तो 10-12 लाख पे सीधा सीधा डायरेक्टली, वरना एग्रीकल्चर में कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आपको स्टार्टिंग में 10-12 लाख का पैकेज दे, बट यहां पे अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको मिल सकती है। कम टू द नेक्स्ट, बताऊंगा मैं सभी के बारे में, लेकिन आज का लेक्चर मेरा ओवरऑल है PGDM फ्रॉम मैनेज। कभी सुना इसके बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, PGDM, मैनेज, मैनेज जानते होंगे, हैदराबाद के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये भी करवाता है जी, इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, एंट्रेंस भी लेता है ये, थोड़े से लोगों को हर साल डिग्री देता है, लेकिन वो थोड़े से लोग जब निकलते हैं तो उनको बड़ा सा पैकेज मिलता है, अलग था, लेकिन आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर BSc AG क्योंकि यूनिक है। PGDM ABM कहां से, नायाब, इसका नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कहां पे है, जयपुर के अंदर लोकेटेड है ये। तो ये क्या करवाते हैं, ये भी आपको सेम कोर्स करवाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है, ये PGDM मैनेज से था, ये PGDM ABM है जो आप नयाम से करेंगे, क्योंकि इनका काम ही क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये आपको अपने फील्ड में, लेकिन अगेन यूनिक प्रोडक्ट है। अब यहां से भी निकलेंगे तो प्लेसमेंट रेट जो है 80-90% का प्लेसमेंट हो जाता है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे ICR कॉलेज के अंदर जाए, 80-90% प्लेसमेंट रेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज इतना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है इस फील्ड में है, बट वो अलग बात है कि ये सब आपको गवर्नमेंट की तरफ कम और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा लेके जाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 10 से 12 लाख का पैकेज अगर तुम्हें मिल जाए तो इट्स ओके, प्राइवेट इज ओके, जरूर नहीं है कि 20-30 हजार के गवर्नमेंट पे ही जाएंगे, अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी हो तो प्राइवेट में क्या दिक्कत है। कम टू द नेक्स्ट वन, PGDRM, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट, इसे कौन करवाता है, इसे करवाता है इरमा। इरमा कौन है जी, तो नाम ही नहीं सुना था, अरे ये इरमा कौन है, आनंद के अंदर है, ए जो यहां पे लगा हुआ है, ये ए क्या है, ये आनंद के लगा हुआ है, और इरमा की बात करेंगे, ये लोकेटेड भी कहां पे, आनंद के अंदर लोकेटेड है, राइट। तो जब बात करते हैं इरमा के एंट्रेंस की, तो इरमा क्या करता है, इरमा आपसे एंट्रेंस लेगा वो स्पेशल डिग्री, डिग्री नहीं एक्चुअली, दिस इज डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट। अब एग्रीकल्चर से हो तो ऑफ कोर्स रूरल मैनेजमेंट, वैसे तो इस एग्जाम के लिए सारे लोग एलिजिबल होते हैं, एग्रीकल्चर भी और नॉन एग्रीकल्चर भी, बट बात ये कि आप एग्रीकल्चर से आपको प्रेफरेंस मिलती है, और यहां से जब आप होके निकलेंगे, ये जो 4 प्रोडक्ट है ना ये यूनिक है सर, अगर ये आपके पास है तो लाइफ सेटल है, लेकिन ये हर किसी के पास नहीं है, लिमिटेड से लोगों को डिग्री देगा हर बार। और नेक्स्ट सबसे लास्ट, अगर कुछ भी नहीं तो फिर ये तो हमारे पास हमेशा से है जी, MSc फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी,
That's it. Over from my side. पहला पार्ट मेरा ओवर होता है. एंट्रेंस एग्जाम की बात मैं कर रहा था. मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपके पास हैं और इनको कैसे कैसे आप ऑप्ट कर सकते हैं. That's it. अब सेकंड सिनेरियो पे चलूंगा कि मुझे सर बीएससी के बाद जो स्टडी है उसे परस्यू नहीं करना. आई नीड अ सिक्योर जॉब. तो अब जॉब वाले फील्ड में चलते हैं. मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है. मैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं. बिकॉज क्या करना इज ओके. ओके सर आज तो मैंने अच्छा पता चला कैट की तैयारी करूंगा. सर सपना देखना बड़ी बात नहीं है. सपने सारी दुनिया देखती है. उस सपने को कैसे पूरा करना है उसके लिए स्ट्रेटजी और हार्डवर्क कितना करना पड़ेगा वो डिसाइड करना और एक्चुअली वो करना वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो बात ये अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं कहीं भी जो आपको सूटेबल लगे आपको बड़ा ही स्मार्टली चूज करना पड़ेगा कि अगर मैंने आईसीआर जेआरएफ से एमएस एग्रोनॉमी कर लिया उसके बाद क्या करूंगा. उसके बाद अगर आप बोल रहे हैं कि सर उसकी तैयारी करूंगा. अगर आप ऐसे एग्जाम का नाम ले दे रहे हैं जो बीएससी के बाद भी हो सकता था तो फिर एमएससी क्यों की. सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस नहीं मिलेगी. तो जो काम आफ्टर बीएससी हो सकता है. आप बोले सर मेरा सपना है मुझे आईपीएस बनना है. तो आईपीएस बनना है तो ये गलत चॉइस है. आईपीएस बनना है तो यूपीएससी बोलते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हैं. तो जस्ट स्टार्ट कीजिए आप अपनी तैयारी. तो मैं जस्ट आपको फिर से बता दूं मैंने शुरू बोला था सुनो सबकी करो मन की. तो अगर आपको लग रहा है मुझे बीएससी के बाद एंट्रेंस ऑप्ट करने थे तो सर आपके लिए सेशन ओवर होता है. मैंने आपको एंट्रेंस बता दिया. हाँ मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि इन अलग अलग एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. अब चलता हूं सेकेंड सिनेरियो पे कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना है. मुझे क्या करना है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए. व्हाट आई कैन डू राइट नाउ. मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है. देखो मैं एक बात आपको और बता दूं. जब मैंने एंट्रेंस का जिक्र किया तो मैंने एंट्रेंस में आपको बोला कि कैट का इरमा का पीजीडीएम मैंने से नायाम से कीजिए. बड़े बड़े ऑप्शन है सर ये छोटे नहीं है क्योंकि ये डिग्री कितने लोगों को देते हैं 30 40 50 60 इससे ऊपर को देते ही नहीं है. लेकिन बात हुई है जो 60 लोग इनके यहां से निकलते हैं ना वो यूनिक प्रोडक्ट बन के निकलते हैं. उस केस में उनकी डिमांड होती है मार्केट के अंदर. हम सबकी डिमांड नहीं है इस टाइम पे. वाई बिकॉज हम जैसे कॉमन प्रोडक्ट बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर. ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी है इस टाइम पे जो डिग्री के नाम पे सर एक साल के अंदर. मैं नाम नहीं ले सकता किसी का बिकॉज ये पब्लिक जाएगा मेरा वीडियो जो है. लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा है. पूरा इंडिया विजिट करता हूं. मैं पंजाब के अंदर हूं, राजस्थान से बिलोंग करता हूं. पंजाब राजस्थान यूपी यहां तो मेरी बहुत अच्छे से कमांड है. मैं महाराष्ट्र भी इस साल नहीं गया बिकॉज लॉकडाउन था. वरना हर साल 4-5 चक्कर मेरे वहां पे भी होते हैं. मैं बहुत अच्छे से सब कुछ देखता हूं. मैंने लास्ट ईयर एक कॉलेज देखा जिसने एक साल के अंदर 1800 लोगों को डिग्री दी. हो सकता है डेटा थोड़ा सा गलत हो मेरा लेकिन हाँ श्योर है 1000 से ऊपर ऊपर बच्चों को उसने डिग्री एक ही साल के अंदर दी है. मतलब जो फाइनल पास आउट होकर निकले एक साल में मोर देन 1000. आई डोंट नो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं बट सर डिग्री दी जा रही है. तो ध्यान रखिए इस बात को. कॉम्पिटिशन बहुत है. आप सेम प्रोडक्ट मत बनिए. आपके जैसे प्रोडक्ट अगर मार्केट में होंगे तो आपकी बोली लगाई जाएगी 12000 15000. पहले बीएस एग्रीकल्चर 16 से 18000 पे सैलरी देते थे प्राइवेट कंपनीज वाले. आजकल 12 से 16000 के बीच चले गए हैं. 16 से 20 था पहले, आजकल 12 से 16 है 12 to 16. वाई? क्योंकि आज उन्हें बहुत प्रोडक्ट मिलने लग गया है. जहां मर्जी जाओ बीएससी एजी मिल जाता है. लेकिन आज से 4 साल पहले सिनेरियो ऐसा नहीं था. बीएससी एजी नहीं मिलते थे. तो आप अगर एक कॉमन प्रोडक्ट बन जाएंगे तो आपकी डिमांड नहीं होगी. और अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट है और ऐसा भी नहीं है कि हाँ कॉमन का मतलब कॉमन ही. अगर टैलेंट है तो सर कॉमन भी आप बनिए. अगर टैलेंट है तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा. लेकिन ध्यान रखिए अपने आपको एक नए रास्ते पे लेके जाओ जहां पे आपको लगे मेरी ग्रोथ है वहां पे. सेकंड पे चलते हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं. एंट्रेंस मैंने आपको बता दी जो आप बीएससी एजी का ऑप्ट कर सकते थे. सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे यूपीएससी आईएफएस और मैंने ऑब्लिक लगा दिया और लिख दिया सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. मैंने सबसे पहले यूपीएससी क्यों लिखा. बोलोगे सर ये तो एग्रीकल्चर वालों का नहीं है. किसने बोला नहीं है. आप बोलोगे सर तो कोई भी तो किसने बोला कि आप नहीं दे सकते. कोई भी दे सकता है ना. आप भी दे सकते हो. ऑप्शनल के अंदर अपना एग्रीकल्चर लेके जाइए. जो आपने 4 साल तक पढ़ा अगर आपकी कमांड है तो उस सब्जेक्ट के साथ जाओ ना यार. आप क्वालिफाई कर सकते हो. फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर जाओ. आपके लिए बना है स्पेशली ये. आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. वाई? बड़े सपने देखने से डरते हैं ना हम. हमने कभी बड़ा सपना देखा ही नहीं है. हम वो गरीब लोग हैं. मैं गरीब आपको या मेरे को नहीं. पैसे से गरीब नहीं कह रहा हूं. यहां से हम गरीब लोग हैं जो सपने में भी खाएंगे ना चने ही खाएंगे. बादाम नहीं खाते. हम बनाएंगे सपने के अंदर ना तो एक छोटा सा घर बनाएंगे. महल कभी बना के ही देखा हमने. सपना बड़ा किया ही नहीं हमने कभी.
कि मुझे तो 10 साल बाद एक महल चाहिए मेरे घर वालों के लिए। नहीं नहीं सर, महल नहीं सर, 2 कमरे घर बनाना है सर, दाल रोटी खाएंगे। दाल रोटी तक ही सोच रह जाती है ना, बड़ा सोचते नहीं है। और जब बड़ा सोचते हैं, नेचुरल सी बात है ना, अगर आज मुझे आपका सेशन लेना था तो मुझे सेशन लेने के लिए सोचना पड़ा ना पहले कि मैं सेशन लूंगा। ना मैं सोचता ना मैं सेशन लेता। तो सर अगर बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। सपनों के अंदर खाने हैं सर तो बादाम खाइए, चने मत खाइए। सपनों बनाना है तो महल बनाइए, घर क्यों बनाते हैं आप? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बड़ा सपना देखिए, बड़ा काम कीजिए। छोटे तो पड़े हुए हैं सर, लास्ट में आके छोटों पे भी आ जाऊंगा। ये तो जब चाहे तब कर सकते हैं, आपको हर टाइम आवाज मारे आजो आजो आजो, है ना, हमारे पास आजो। इट्स ओके सर, ये कभी भी हो जाएंगे। बट स्टार्ट फ्रॉम द बिग ड्रीम, बड़ा देखो। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैकअप लेके चलो साथ साथ। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शनल में एग्रीकल्चर ले सकते हैं, बट हाँ मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज ये सारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सभी लोगों की प्रेफरेंस ये तो नहीं है, इसको सब लोग सुनना चाहते हैं और इसको भी सुनना चाहते हैं, बाकी की बात भी करता हूं। नाबार्ड, नाबार्ड का मैं बता दूं, नाबार्ड की जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ज्यादा सैलरी के लिए एमएससी पीएचडी में जाना पड़ता है। मैंने वो बातें वहां पे कर दी। अब एमएससी पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर लगेंगे तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मोटा अमाउंट मिलता है वहां पे। मोटा अमाउंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सपने बड़े तो मेहनत करो। जिन लोगों को मिल रहा है उनकी मेहनत है, ऐसे नहीं मिल रहा उनको। सो अगर यहाँ पे बोलूंगा नाबार्ड के अंदर, सर आपको ग्रोस सैलरी जो है ऑलमोस्ट 75,000 स्टार्टिंग में मिल जाती है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया उसके बाद एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, स्टार्टिंग सैलरी इज 75,000। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के। सर इट्स अ ड्रीम जॉब, ये ऐसे नहीं मिलती है सर। पहले साल फ्रेशर बच्चा मैंने क्वालिफाई होता नहीं देखा। हाँ होते होंगे कुछ लोग, लेकिन जनरली नहीं हो पाते। लेकिन आप सोचिए ना, अगर मैंने बीएससी किया आज और इस जॉब के लिए मेरे 3 साल चले गए, सो वी यूज टू थिंक मेरे तो 3 साल खराब हो गए। कहाँ खराब हुए भाई? अगर एमएससी करके पीएचडी में जाता अभी तक जॉब भी ना होती। अब सीधी सीधे 75,000 की जॉब है सर, और बहुत अच्छी खासी पोस्ट है वो। तो समझना पड़ेगा हमें कि हमें अगर इस फील्ड में जाना तो पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। हम बोलेंगे 4 महीने के अंदर जादू हो जाएगा, नहीं जादू होता। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी 6 महीने 8 महीने 1 साल। हो सकता है किस्मत खराब रही तो 2-3 साल भी हो। किस्मत खराब क्यों? कभी कभी लक भी काम करता है सर। हमेशा हार्डवर्क नहीं चलता साथ में, वो अलग बात है। हार्डवर्क सबसे मेजर है, लक साथ में चलेगा आपका। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो फिर लक भी आपके साथ है। नाबार्ड एग्जाम, मैं इसका पैटर्न आपको बताऊंगा। फिर आता है आईबीपीएस एएफओ, इसके बारे में मोस्टली लोग अवेयर होंगे ही होंगे। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम हर साल वैकेंसी रिलीज करता है आईबीपीएस। इस एग्जाम को आप अगर बीएससी या फिर एलाइड स्ट्रीम से आप सारे लोग दे सकते हैं और दे नहीं सकते सर, इसको मेजोरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स वो देते ही है, क्योंकि यहां वाला सपना हम देखते नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो चने खाते हैं, बादाम वाला सोचते ही नहीं है। और फिर जब यहां पे लग जाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिविटी पास कर रहे होते हैं, अच्छी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो लगा क्यों था फिर तू जाके? तूने तैयारी क्यों की थी? किसने बताया था लग जाया के, है ना? सो पॉइंट इज, थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। ऐसा है इस एग्जाम के लिए, है ऐसा। दे यूज टू से बैंक में तो बहुत प्रेशर होता है, तो किसने बोला तू प्रेशर ले? छोड़ना, रिजाइन दे दे अभी के अभी, आजा बाहर। तो लोगों से बच के रहिएगा सर। नेगेटिविटी देने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पॉजिटिविटी वाले कम मिलेंगे। हर साल वैकेंसी रिलीज करता है, लगभग 500 से 1000 के बीच वैकेंसी आती है। सिलेबस में आपको आगे बताने वाला हूं, इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी इसके कंपैरेटिवली काफी कम होती है, लेकिन हाँ अगर मैं बोलूं 40 से 45 हजार है तो कम वो भी नहीं है। आगे चलते हैं आरआरबी एसओ, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं भी हो सकता है। अब आप खुद सोच लीजिए, इसका भी आपको बता दूं मैं, रिसेंटली सैलरीज रिवाइज हुई हैं। आरआरबी एसओ की जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस का मतलब समझते हो ना, ग्रोस का मतलब टोटल, कट कटा के हाथ में थोड़ा कम आता है। ग्रोस सैलरी इज 82,000, 82,000 रुपए लगते ही सैलरी। अब मुझे एक बात बता दो तुम, अगर तुमने बीएससी की, बीएससी के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दी, जॉब किस लिए? पैसे के लिए नहीं, लर्निंग के लिए प्लस एक्सपीरियंस के लिए, और 2 साल बाद आपने फाइट किया एग्जाम को, आप क्वालिफाई हो गए सर, आप बताइए 2 साल खराब किए या फिर ड्रीम जॉब मिल गई आपको? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, इस साल का तो पेपर अभी हुआ, वो लास्ट ईयर वाला बच्चा कॉल सेंटर में जॉब करता था। ही सेड सर शुरू से मेरा ड्रीम आरआरबीएसओ था, मैंने कॉल सेंटर में रहे कभी पैसे को नहीं देखा कि मुझे महीने के 22,000 मिल रहे हैं, मुझे तो सिर्फ यही वाला काम करना था। मैं कॉल सेंटर में टाइम मिलता थोड़ा बहुत आगे पीछे तो मैं पढ़ता रहता था, वो क्वालिफाई हुआ। तो खुद सोचिए, उसने बीएससी 2 साल जॉब नहीं करी,
उसने बीएससी के बाद 2 साल लर्निंग की, अब वो अर्निंग कर रहा है 82,000 की, जो मेरे हिसाब से छोटी नहीं होती है। आपको सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी कि मुझे किस फील्ड में जाना है, पहले वाला या फिर दूसरी जो बातें चल रही है। नेक्स्ट आपका आ गया, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहां पे एमपीएससी एग्री, बट एमपीएससी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये माने कि इसका जूनियर फॉर्म हो जाता है एमपीएससी। यूपीएससी बड़ा लेवल है, इंडिया लेवल है, यहाँ पे आप स्टेट लेवल पे फाइट करते हैं, थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन उससे इजी है, अदरवाइज इजी नहीं है। और साथ साथ बाकी जो बच्चे हैं महाराष्ट्र के अलावा, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाकी जो आपके यहाँ पे स्टेट एग्जाम होते हैं, आपका स्टेट पीसीएस तो होता ही होता है, उसके अलावा आपके जो एग्रीकल्चर में एडीओ होते होंगे, एईओ होते होंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते होंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते होंगे, तो अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में वैकेंसी है, लेकिन आपके स्टेट में होती है। ये तो था एक अच्छा खासा लेवल जो इंक्रीज से डिक्रीज, ये बहुत बड़ा लेवल है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, सैलरी है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हार्डवर्क उतना बड़ा, थोड़ा सा छोटा लेवल, उससे छोटा ये अच्छा लेवल है और ये भी अच्छा लेवल है, ठीक है। ये तो ये मानिए कि ये वाली जॉब अगर आपके पास कोई भी है तो एक अच्छे रैंक पे आप हैं। कम टू हेयर एफसीआई सीडब्ल्यू से आप बोले क्या ये अच्छी जॉब नहीं है? ऑफकोर्स सर ये भी अच्छी है, लेकिन पता क्या है, इस सेक्टर में आप अगर है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। यहाँ पे जो बंदा चला गया वो तो पहले से सेटिस्फाइड है, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं, वो यहाँ पे लाइफ सेटल है उसकी। यहाँ पे जाएंगे तो ये बोलिए सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, आप जितना ग्रो करना चाहेंगे उतना ग्रो कीजिए। इस केस में आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, जॉब भी कोई ज्यादा प्रेशर वाली नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। एफसीआई सीडब्ल्यू ने रिसेंटली एग्जाम लिया था, अब तो उन्होंने पोस्टिंग भी दे दी है, बहुत सारे बच्चे गए भी हैं, दे आर टोटली ओके विद द वर्क एंड विद द प्रोफाइल, क्योंकि ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी अच्छी आती है, काम भी अच्छा है, लर्निंग भी है, वहां पे कोई ऐसा इश्यू नहीं आता अगर आप अच्छे से करते हैं। एफसीआई सीडब्ल्यूसी के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 1 से 2 साल के गैप में आती रहती है, दोनों अलग अलग है, मैंने एक साथ क्यों लिखा, ऑलमोस्ट सेम वैकेंसी है ना, पैटर्न भी सेम लेके चलते हैं और वैसा ही कुछ काम है, लेकिन हाँ अलग अलग है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन। इफको, इफको के अंदर वैकेंसी बहुत रेयर है, इफको को टारगेट मत कीजिएगा, बस जस्ट आपको बैकअप बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक एग्जाम आपके पास होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है और थोड़ा सा फेयर नहीं होता इनकी प्रैक्टिसेस, फेयर में ये नहीं कह रहा ये लोग करप्ट है, लेकिन हाँ जितने ये लोग फेयर है उतना फेयर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं देगा, तो इसको टारगेट मत कीजिए, इसे ऑप्शन लेके चलिए कि हाँ ठीक है ये मेरे पास क्या है, ये ऑप्शन है कि मैं अगर इनकी तैयारी कर रहा हूं तो इसके भी साथ साथ करूंगा। नेक्स्ट आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, या फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। इस साल की बात करता हूँ, थोड़ी सी वैकेंसी एनएफएल ने दिखाई थी बट ज्यादा कुछ वैकेंसी आई नहीं है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने अभी अभी रिसेंटली फॉर्म फिल करवा लिया है, एग्जाम डेट फाइनल नहीं हुई है। AICL विद इन 6 to 8 months वैकेंसी देगा, आई एम नॉट श्योर देगा कि नहीं, लेकिन हाँ पिछले साल नहीं आई तो इस साल आने की उम्मीदें हैं। बट इंश्योरेंस की बात करो तो कोरोना के टाइम में पैसा नहीं, इंश्योरेंस कहां से होगा, तो इनका बिजनेस शायद उतना ग्रो नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसकी वैकेंसी आएगी, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपके स्टेट के अंदर छोटे मोटे एग्जाम, जैसे महाराष्ट्र में हो तो वहां पे कृषि सेवक होता है, अगर आप यूपी से हैं तो वहां पे टीए होता है, अगर राजस्थान से है तो वहां पे सुपरवाइजर होता है, और किसी और स्टेट से है तो वहां पे भी ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं। सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है इस केस में, लेकिन अगेन अगर कुछ नहीं है तो ये तो है ही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी तैयारी कीजिए। मेरी स्टार्टिंग तो सर यहां से हुई थी, मैंने पहले ही बोला था महल बनाइए, ना बन पाया तो घर तो बन जाएगा, अगर घर का ही सपना देखा ना बन पाया तो चकनाचूर हो जाओगे, लेकिन बात वही, बड़ा सोचोगे बड़ा ना तो छोटा हो जाएगा, सोचा ही छोटा तो फिर आप नीचे रह जाएंगे। एक बार के लिए बड़े की ट्राई कीजिए, मिल जाएगा आपको, है ना। और लास्ट मैंने बोला फिर आपको अल्टीमेटली, जैसा मैंने एमएससी के अंदर लास्ट में बोला था कि प्राइवेट कॉलेज से एमएससी कर लो, अब आपने यहां पे कर लीजिए। चलो डन जी, मेरा पार्ट ओवर होता है। आप बोलेंगे सेशन खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, मैंने शुरू में बोला था आपको क्लैरिटीज भी देके जाऊंगा, कंफ्यूजन भी देके जाऊंगा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ गई होंगी, क्यों, आपका माइंड कह रहा है हाँ यार इसकी तैयारी, मैं दिखाऊंगा पैटर्न क्या होता है, साथ साथ कह रहा है नहीं यार ये तो डिफिकल्ट होता है, वैकेंसी 100 आते हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सर अब जैसे ही पॉजिटिविटी की साइड जाएंगे ना, ये नेगेटिविटी धक्के से आपको खींचेगी, नहीं नहीं उधर मत जा, तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी वहां पे, इधर आ जा, सोशल मीडिया चला, फेसबुक चला, व्हाट्सएप चला, इंस्टाग्राम पे टाइम खराब कर, ये आजकल का यूथ है उसी पे ही टाइम वेस्ट करता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी कलेक्ट करनी पड़ती है, नेगेटिविटी फ्री में मिलती है हर जगह पे, कहीं भी वर्ल्ड में जाइए नेगेटिविटी मिलेगी। तुमने कभी लाइफ में भूत देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन अंधेरे के अंदर अक्सर आ जाता है,
देखा तो कभी नहीं ना मैंने ना आपने, लेकिन अंधेरे में अक्सर हमारा माइंड प्रोड्यूस करता है भाई ये नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है, भूत होता है, भूत होता है, भूत होता है। वही भूत आजकल हमारे साथ है, हम कंफर्ट जोन के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। अगर आप सपना बड़ा देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला इनका इनकी बात आप करेंगे या फिर आप बात करेंगे कि इसकी आपका ये जो चार ऑप्शन थे, तो सर पहले तो याद रखिए सपना देखने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फटाफट से बोल दे कि हाँ सर मैं इनमें से कुछ या फिर इनमें से कुछ ट्राई करूंगा, सर आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा इनके लिए। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा ऑफकोर्स, लेकिन हार्डवर्क क्यों बोल रहा हूँ, आजकल स्मार्ट वर्क भी हार्डवर्क ही है, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। डन जी, हमारे जो ऑप्शन है वो खत्म हो गए। खत्म कैसे हो गए, मतलब आपको मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के अंदर समझाया कि आप क्या कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। फर्स्ट वाला जो आपके एंट्रेंस एग्जाम थे वो मैंने आपको बताए, एंड सेकंड मैंने आपको क्या बताया, सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं उस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक बात है, क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपके फेस पे स्माइल भी आ जाएगी सुनते ही, और साथ साथ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो भी आप समझ जाएंगे। बिकॉज मैंने शुरू में कहानी सुनाई, मेरे को कहानियां सुनाना कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे शौक है मेरे बच्चे अगर लाइफ में आगे जाएंगे तो मुझे अच्छा लगता है। स्टार्टअप्स इन इंडिया, स्टार्टअप सारे लोग जानते होंगे, ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल, कुछ भी नया काम करना वो स्टार्टअप है। जी जोमेटो की बात करो, ओला की बात करो, उबर की बात करो, दीज ऑल आर स्टार्टअप, कितने सक्सेसफुल है सर। ओला की अपनी कैब नहीं है, उबर की अपनी कैब नहीं है, बट देख लो सबसे ज्यादा कैब ही उन्हीं के पास है। जोमेटो अपना खाना नहीं है, लेकिन जोमेटो अच्छा खासा खाना सर्व कर लेता है। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप है। ओयो की बात कर लो, अभी थोड़ा काम खराब चल रहा है होटल इंडस्ट्री का, लेकिन स्टिल कितना ग्रो किया उसने। मैं आपको बता दूं स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप वाले केस में इंडिया का सेकेंड रैंक है, फर्स्ट चाइना का है, सेकेंड रैंक इंडिया का है। इंडिया का मतलब क्या, पूरे विश्व में जहां पे नए नए काम होते हैं उन नए नए कामों में भारतीय सेकंड दर्जे पे आते हैं, हम सेकंड है। मैं इस बात को सुन के बहुत अच्छा फील करता हूं कि ठीक है चाइना हमसे आगे, हम कभी ना कभी उससे भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस सेकंड रैंक पे स्टार्टअप में कितनी मजे वाली बात है। हमारा यूथ इतना एनर्जेटिक है, नए नए काम करते हैं, नए नए स्टार्टअप लेके आते हैं। लेकिन दूसरी लाइन जब बोलूंगा ना मूड खराब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सर, इंडिया का स्टार्टअप में, स्टार्टअप स्टार्ट करने में तो सेकंड रैंक है, लेकिन इंडिया स्टार्टअप फ्लॉप होने में, स्टार्टअप बंद होने में, स्टार्टअप खत्म होने में फर्स्ट रैंक पे आता है। अब समझ जाइए, आपको लग रहा है अच्छा ऐसा हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि सोच तो लेते हैं करना है, लेकिन जब फील्ड में घुसते हैं तब समझ आते हैं मेरे तो बस की बात ही नहीं थी, तो फिर किया क्यों था, अगर सपना पूरा नहीं करना देखा क्यों था। अगर आफ्टर थ्री मंथ मुझे लग रहा है नहीं नहीं ये एग्जाम तो मेरे बस की बात ही नहीं, तो फिर सपना क्यों देखा था, आया क्यों था यहाँ पे, है ना। तैयारी के लिए सोचा क्या था मैं करूंगा, और जब सोचा था तो ऐसा क्या है लोगों के पास जो लोग कर रहे तू नहीं कर सकता, क्या तू 6 बजे उठ नहीं सकता, डेफिनेटली यस, लेकिन नियतें खराब है ना मेरी उस टाइम पे, मुझे नहीं करना, मुझे तो कंफर्ट जोन मेंटेन करना है, तो कंफर्ट जोन मेंटेन करना फिर सपना क्यों देखता है। मैं ये वर्ड तू आपको नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा सा बुरा भी लगना चाहिए आपको जब आप कंफर्ट जोन मेंटेन करते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे मैंने शुरू में बोला अच्छे बच्चे हैं, मैं जब महाराष्ट्र जाता हूं मुझे वहां जाके दोनों टाइप की फीलिंग आती है, बहुत अच्छे वाली और बहुत बुरे वाली भी, क्योंकि एक मेजोरिटी तो वो देखता हूँ जो सिर्फ भेड़ चाल है, सिर्फ भेड़ चाल कुछ नहीं है, और एक मेजोरिटी वो देखता हूँ जो बहुत अच्छी है पढ़ने वाली, दिखता है कि यार ये कॉम्पिटिशन है। तो बात ये सिर्फ महाराष्ट्र के साथ नहीं है, ये इंडिया के हर स्टेट के साथ है, जहां भी जाओ आपको दोनों कैटेगरी ही मिले, इवन तीन मिलेगी, एक वो जो ओके ओके थे, वो जो हर नया काम करना चाहते हैं और कंटिन्यू करेंगे, एक वो जो करना तो चाहते हैं आज तो आ गया बट आफ्टर 2 डेज ये गायब हो जाएंगे, ये करेंगे नहीं। तो आप ध्यान रखें, अगर सपना देखते हो तो उसको पूरा करो, जो भी आपने सोचा है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और जो आज तक आपने नहीं किया उसको सोचिए वो भी आप कर पाएंगे, लेकिन पहले सपना देखिए, पहले सोच के देखिए, होता सब कुछ है, बट ध्यान रखिए स्टार्टअप अगर आता है तो उसे चलना भी चाहिए। इंडिया स्टार्टअप स्टार्ट तो करता है लेकिन बंद बड़ी जल्दी कर देता है। इंडिया की बात, इंडिया के यूथ की बात कर रहा हूं, बिकॉज स्टार्टअप स्टार्ट करने में हमारा सेकंड रैंक है, स्टार्टअप को बंद करने में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं, ये ऑफिशियल डेटा है, मेरा कोई डेटा नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने यही वाली लाइन यहाँ पे क्यों लिखी, जस्ट इसीलिए कि आप जो सपना देखें उसको प्लीज बंद मत कीजिएगा, पहले आराम से 10-12 दिन सोचिएगा क्या मैं कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो करो, नहीं कर सकता तो फिर छोटा सपना देखो, लेकिन बड़ा देखिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अपने विश्वास कीजिए सब हो सकता है। अगली स्टेज पे चलते हैं जी, पैटर्न ऑफ दीज एग्जाम्स, ये जो एग्जाम है इनका पैटर्न क्या होता है। मैं 2-3 एग्जाम की बात करूंगा, अगर मैं सारे की बात करने लग गया तो फिर लंबा सेशन हो जाएगा हमारा, तो 2-3 एग्जाम्स की बात करते हैं। ये जो आपके एग्जाम्स है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। आप बोलोगे सर दे के देखो फिर पता चलेगा, इजी आपको तो बातें आती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सर,
आई मीन टू से आप जिस एग्जाम में जाएंगे, जैसे मैंने बोला यूपीएससी दे सकते हैं, नाबार्ड दे सकते हैं, एएफओ दे सकते हैं, इनके कंपैरेटिवली सबसे जो लोअर लेवल, सबसे इजीएस्ट लेवल है वो आपका एमएससी है। क्यों? यहाँ पे कंपटीशन होता है बट कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं बट बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट आता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक बात है, समझ पाए बात को। तो एमएससी एंट्रेंस की बात करता हूं, इनका पैटर्न बहुत साधारण है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। एमएससी एंट्रेंस में आपका जो महाराष्ट्र का एंट्रेंस है वो 200 क्वेश्चन पूछता है 120 मिनट्स के लिए। जो बीएचयू का एंट्रेंस है वो आपसे 120 क्वेश्चन पूछता है 120 मिनट्स के लिए। जो राजस्थान का एंट्रेंस है वो 100 क्वेश्चन पूछता है आपसे 120 मिनट के लिए। जो एमपी का एंट्रेंस है वो 100 क्वेश्चन पूछता है आपसे 90 मिनट्स के लिए। तो आप देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप बोलोगे सर यहां तो टाइम बहुत कम मिल रहा है, फिर क्या हो गया? आपको अकेले को थोड़ी मिल रहा है। जब बच्चे बाहर आते हैं एक लाइन उनके मुंह पे होती है, सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, पता नहीं होगा सिलेक्शन। मेरे भाई तेरे अकेले के लिए डिफिकल्ट थोड़ी आया था, वो पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट था। सब लोगों की परफॉर्मेंस उतनी डाउन गई है, कट ऑफ उतनी डाउन जाएगी और पेपर बहुत इजी आया सर कट ऑफ बढ़ जाएगी। एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? कट ऑफ अगर इजी गया तो बढ़ेगी तो सभी के लिए ना। तो फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न इजी है, डिफिकल्ट है, टाइम कम है, ज्यादा है, जो है सभी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के लिए सेम है। आप भी उसी के साथ फाइट करेंगे जहां पे दूसरा बंदा फाइट कर रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो आपको मेरे जैसे बंदे के लेक्चर सुनने की रिक्वायरमेंट बाद में है, पहले रिक्वायरमेंट है। तो इसी एग्जाम के पिछले 3 साल के पेपर उठा लीजिए, कुछ नहीं करना, 3 साल के पेपर उठाइए। अब लेट्स से जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी जो भी जितने भी है मेरे पास कितने क्वेश्चन हो गए 300। इन 300 क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि पढ़ लो और आंसर देख लो, ऐसे नहीं करना। इन 300 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को उठाओ, उसके मिलते जुलते चार चार क्वेश्चन और बनाओ। चार चार और बनाओगे मतलब क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास 1200 और हो गए, और प्लस 300 आपके पास 1500 क्वेश्चन हो गए। सर इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे, आपको मेरे सेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, सब अपने माइंड में आ जाएगा। क्यों? आप जब 1500 क्वेश्चन बना लेंगे तो अब माइंड में आ जाएगा कि भाई पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, कौन कौन से बुक से क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या मुझे छोड़ना है। क्योंकि आपको बता दूं एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, क्या नहीं पढ़ना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिपेंड करता है आप पे, आपकी सोच को लेके चलते हैं। लेकिन बता दूं क्या नहीं पढ़ना ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग वो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ना होता और फिर अक्सर रह जाते हैं। आप इस चीज को बड़े अच्छे से माइंड के अंदर रखिएगा। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे तैयारी करनी है, एक बार 1500 क्वेश्चन बनाइए। मुझे ये भी पता है कि जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग 1500 क्वेश्चन बनाने में इच्छुक नहीं है। नहीं नहीं सर प्लीज आप बना के दे दो ना, एक पीडीएफ डाल देना टेलीग्राम में, पढ़ लूंगा। तो मैं तो डाल दूंगा, मेरा तो काम है, मेरे पास तो लोग बैठे वो काम ही यही करते हैं। बट द पॉइंट इज आप जो 1200 क्वेश्चन बना के सीखोगे दैट इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड दैट इज द पार्ट ऑफ अल्टीमेटली अचीविंग गोल्स। यही तो करना है, शुरू से इसी बात पे तो हूं, कंफर्ट जोन छोड़ना है। पीडीएफ ही डाल दूंगा फिर तो कंफर्ट जोन ही है ना वो वाला। तो एमएससी एंट्रेंस की बात हो गई, आगे चलते हैं। ICARJRF इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि इसका जो पेपर अब एनटीए ने लेना स्टार्ट कर दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से कुछ क्रॉस मैचिंग है, कुछ जनरल से होते हैं, और मेजर जो पोर्शन है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर है स्टेट लेवल से। क्यों? स्टेट में सिर्फ स्टेट होता है, इसके अंदर पूरा इंडिया होता है। नेचुरल सी बात है, एक स्टेट के अंदर कंपटीशन होना और पूरे इंडिया में होना अलग अलग बात है। टाइम आपको 120 मिनट मिलते हैं इसके लिए, इसके लिए भी डिटेल में बात करेंगे। बट जैसा कि मैंने बोला, मैं अगर सारे एग्जाम्स अभी बोलने लग गया तो फिर सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं नाबार्ड एग्जाम की, बाकी एग्जाम से भी आऊंगा। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट है आपके पास, और कुछ नहीं पढ़ना। एमएससी एंट्रेंस की बात करो, जेआरएफ की पढ़ो। अब एग्रीकल्चर के अंदर ही पढ़ना, कुछ मैथ्स रीजनिंग या फिर इंग्लिश है या कुछ और सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बोला एग्रीकल्चर फील्ड में ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ रहा तो नेचुरल सी बात है इजी ही होंगे। आगे चलता हूं जी, अब बात करता हूं इजीएस्ट की नहीं सर, अब एग्जाम डिफिकल्ट होने वाले है। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये कौन से एग्जाम है? ये तो सर गवर्नमेंट जॉब के लिए है, और इस पे स्टेट या फिर एक लिमिटेड बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो सर कैसे तैयारी करें इसकी, इसमें क्या आता है? जब नाबार्ड की बात करूं, मैंने पहले ही बोला एक हैंडसम सैलरी ऑफर करता है, एक अच्छा खासा ऑप्शन है। और आप जब यहाँ पे लग जाएंगे, होता है ना कुछ बच्चे नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में जाते हैं, कुछ एएफओ में जाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं
मैक्सिमम टाइम यही होता है, नहीं नहीं मुझे तो वो वाला गोल अचीव करना है, वहां पे जाना है, वहां पे जाना है। लेकिन एक बार आप यहाँ पे चले गए, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर, लाइफ आपकी यहीं पे सेटल्ड है। इतने सारे करियर ऑप्शन आपको मिलेंगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आपने लाइफ को सक्सेस को कंपेयर करते हो मनी से, तब भी आप खुश होंगे। अगर वर्क प्रोफाइल से करते हो, तब भी आप यहाँ पे खुश रहोगे। ग्रोथ से करते हो, तब भी आप खुश हो। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है ये। नाबार्ड में क्या आता है, वैसे तो नाबार्ड की तीन स्टेज होती हैं, लेकिन मैं तीन की बात नहीं, मैं आपको सिर्फ प्री की बात करूंगा। प्री का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है उसके अंदर, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी अच्छी चाहिए आपको। और थर्ड जो है एक अच्छा खासा आईएएस से लोअर लेवल का, लेकिन एक अच्छा खासा इंटरव्यू होता है इसके अंदर। प्री के अंदर देखिए सर, अब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये। इसमें आपका क्या आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी आता है, क्वांट भी आता है, ESI, इकोनॉमिकल सोशल इश्यूज भी आते हैं, और प्लस आपका एग्रीकल्चर भी आता है। ARD से बोला जाता है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मेजर अगर बोलूंगा ना तो ये तीन सेक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं। कौन कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज, ESI और एग्रीकल्चर। आप बोला कि सर इसकी तो टेंशन ही नहीं है, बिकॉज ये तो मैंने क्रॉस इसलिए किया बिकॉज इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, करना तो है। लेकिन अगर आप BSc AG है, तो BSc जो एलाइड से भी है, तो आपको नाबार्ड का ARD बहुत आसान लगेगा, बिकॉज इसमें सारी स्ट्रीम वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो इसके क्वेश्चन इजी होते हैं। ESI की बात करते हैं, ESI वाले केस में जब जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ESI वाले केस में इकोनॉमिकल सोशल इशू, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आप इसे इजिली कवर कर लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप भारतीय हैं, अब बच्चे हंसेंगे सारे, अगर आप भारतीय हैं तो ये वाली भाषा आपकी कमजोर है। भारतीय हो सारे, कोई नेपाल पाकिस्तान से सेशन नहीं ले रहा ना, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि आप में से कुछ लोग बाद में ये बोलेंगे कि सर इंग्लिश तो मेरी वीक है, उनको तो आती है। अगर सर आप इंडियन है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट पैदा होते हमारे साथ, लगे हमारी वीक ही है। जिसकी नहीं है तो उसने मेहनत करी है, और जिसकी है तो उसने, जिसकी नहीं है तो उसने मेहनत नहीं की, बस इतना सा फर्क है। जिसने कर ली मेहनत वो आगे चला गया है, जिसने नहीं किया अभी तक वो वहीं पे है। क्योंकि रात में भूत कभी देखा आपने, किसी ने देखा है? नहीं ना। जिसने मुड़ के उस डर को फेस कर लिया, उसकी लाइफ में भूत गायब हो गया, और जिसने उस डर को फेस नहीं किया, उसके लिए आज भी भूत दिखता है, वो मुड़ के देखने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि भूत उसके पीछे चल रहा है। जिस दिन वो पीछे मुड़ जाएगा, भूत खत्म। तो सेम है, इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी, जिस बच्चे की, तो पूछ के देख लेना उस बच्चे ने मेहनत किया है, और जिसने नहीं किया तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डन सर, आगे चलते हैं, है ना। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया, ESI और ARD, इसके आपको मेजर फोकस करना पड़ेगा। नबार्ड के बाद बात करते हैं आपके IBPS AFO की। जो आपका IBPS AFO एग्जाम है, ये क्या करता है जी, IBPS AFO जो एग्जाम है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। नाबार्ड जैसा तो है, क्योंकि अगर आप AFO की तैयारी कर रहे हो तो नाबार्ड साथ साथ कवर होता है, नाबार्ड की करो साथ साथ AFO कवर होता है। मतलब अच्छी बात ये कि दोनों ऑप्शन ही मेरे को साथ में मिल गए। AFO आपसे प्री एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट पूछता है, उसके मार्क्स ये वो यहाँ डिवाइडेड है। ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस है आपको समझाना कि मुझे करियर में चूज क्या करना है। एंड एक बार आपने चूज कर लिया, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या किस में कैसे कैसे होता है। उसके बाद AFO का मेंस एग्जाम होता है, जहां पे प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन, 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। ये तो किसकी बात थी, ये आपके AFO की बात थी, जिसमें प्री और मेंस दो पेपर हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू आ जाएगा। AFO ओवर होता है, आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको तीन क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, वो तीन क्वेश्चन तीन अलग अलग एग्जाम से लिए गए हैं, जो इसी महीने के अंदर हुए हैं, जो एक महीने के अंदर हुए हैं लास्ट। क्योंकि मैं अगर 3 साल पहले का एग्जाम उठा के आपको क्वेश्चन की रेफरेंस दूंगा, मतलब का नहीं है। जो आज कॉम्पिटिशन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये नबार्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। मैं आपको तीन क्वेश्चन दिखाऊंगा और तीन ही सोर्स बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्यों आया। नबार्ड मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, पहले मैं आपसे आंसर पूछूंगा, आपको आंसर देने के लिए क्या करना है, हाथ से इशारा करना है 1, 2, 3, 4, 5 का। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट विच एग लेइंग बाय लेयर्स इज कंसीडर्ड गुड।
ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी सैटरडे को यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से वहां पे भी क्विज में लिया था, तो इसका आंसर मेजोरिटी को पता होगा, लेकिन अगला आंसर जब आऊंगा तो आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो चलिए पहले ये बता दो, जब एग लेइंग की बात करते हैं, अंडा देने की बात करते हैं, उस टाइम पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कंसिडर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या कंसिडर होता है? इशारा कीजिए सारे लोग, 1 2 3 4 5 अपना हाथ उठा के आप इशारा कर सकते हैं। ओके एंड सब लोग इशारा कीजिएगा, कुछ भी करे लेकिन इशारा करे, मेक श्योर, नहीं करोगे तो फिर नंबर लगा दूंगा। और आपको पता है ये वीडियो लंबे चौड़े लोग देखेंगे फिर आप बोलेंगे सर ऐसे कर दिया मेरे साथ, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो एफर्ट्स लगाते हों, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं सही बताएंगे आपको। ओके तो मुझे जो इशारा मिल रहा है एक का और तीन का, कुछ लोग दो का इशारा भी कर रहे हैं, बट हाँ एक और तीन का मेजोरिटी मुझे इशारा कर रही है। इनको लग रहा है मैं इन्हें देख नहीं रहा, सर आप इशारा नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है आपके लिए। अच्छा मेरा भी देख रहे थे आप सर, इसीलिए तो इतने सारे कैमराज लगे हैं क्लास में, बताया आपको 1000 कैमराज हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए। चलो ठीक है ओके, तो जो मुझे इशारा मिल रहा है मेजोरिटी की साइड से वो ऑफ कोर्स वन का मिल रहा है, कुछ लोग तीन का और दो का इशारा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि एग की जब बात करते हैं तो इंक्यूबेशन टाइम पे उसे 37 के आसपास टेम्परेचर देना होता है, 37.5 देना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जाना चाह रहे हैं। सर एग को टेम्परेचर देना और अंडा देने के टाइम टेम्परेचर दोनों बातें अलग अलग है, इसका जो राइट आंसर आएगा ये ए आएगा, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डिस्कस किया था तो आप मेजोरिटी बता पा रहे थे। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपको ना आए आपको आए, मेरा पॉइंट ये था कि सर ये पेपर हुआ अभी अभी, इसने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा सर, पोल्ट्री से क्वेश्चन क्यों पूछा है आपको बता दूं मैं, पोल्ट्री पॉलिसी आपको पता होगा, रिसेंटली एक स्टेट है जो अपनी पोल्ट्री पॉलिसी लेके आया है, आपको पता है वो कौन सा स्टेट है? नो आइडिया, मैं ऑप्शन दूं आपको? ओके ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिमाचल, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 इज हरियाणा। 1 2 3 का इशारा कीजिए, कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली पोल्ट्री पॉलिसी लेके आया है? ठीक है डन, जितने हाथ खड़े हो रहे हैं वो ठीक खड़े हो रहे हैं, तीन का इशारा आप कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं बट मेजोरिटी तीन का इशारा कर दे रही है, जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स राइट आंसर है, उन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिसी लेके आए हैं, वो रिसेंटली पॉलिसी लेके आए थे और रिसेंटली नाबार्ड एक क्वेश्चन लेके आ गया जो उसी से रेलेवेंट था। तो एक बात आपको बता दूं, आप जरा इसको जनरल बुक्स में ढूंढ के देख लीजिएगा, जनरल बुक्स कौन सी आपकी, कोई भी आप स्टडी करते हो है ना, बट प्लीज अब ये भी समझना ऐसा नहीं कह रहा बुक्स में से नहीं आता, क्योंकि आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, लोग हमेशा, मैंने शुरू में बोला नेगेटिविटी मार्केट में फ्री में मिलती है, मेरे को क्या है ना मेरे बच्चे कुछ ना कुछ शेयर करते फोटो मीम्स आप जिसे कह देते हैं, एक बच्चे ने मुझे भेजा कुछ बुक्स थी उसे ऐसे कर रहा था और ACC का लोगो था उसे ऐसे कर रहा था, उसने मुझे भेजा किसके लिए कि सर ऑफलाइन आजकल बच्चे नहीं, आजकल बच्चे ऑनलाइन में भी आ गया, क्यों आजकल कोरोना ने धक्के से कर दिया है। एंड कुछ मुझे मैसेज आए कि सर आप तो बुक्स की बुराई कर रहे हो, When I said कि मैं बुराई कर रहा हूं, बट फिर मैं सोचूं कि इनका कसूर नहीं है, ये जैसा सोचेंगे वैसा ही माइंड प्रोड्यूस करेगा, तो आप ध्यान रखें। अब ये मत सोचें कि मैं ये बोल रहा हूं किताबों में से नहीं आता, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा पॉइंट ये है कि रिसेंटली पोल्ट्री पॉलिसी आई और पोल्ट्री पॉलिसी में से ही अगेन एक क्वेश्चन उठ के आ गया, क्योंकि पोल्ट्री पॉलिसी गाइडलाइन देगी ना कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन नाबार्ड ने पूछा। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, सेकंड क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा, यूपीएससी प्री जो था आपका, ये भी अभी अभी लगभग 3 से 4 हफ्ते में इसको हुए, तो यूपीएससी प्री ने बोला था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है जो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंशियोमीटर का यूज करना या फिर वर्टिकल फार्मिंग, ऑप्शंस आपके सामने, आराम से पढ़िए, 20 सेकेंड का टाइम दूंगा, सोचना भी है फिर मुझे आंसर बताइएगा वॉट विल बी द राइट आंसर। आपको बता दू ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है प्री एग्जाम के अंदर, बिकॉज यूपीएससी का प्री मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, तो ये सभी स्ट्रीम के लिए था। आप खुद सोच लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में डिफिकल्टी हो रही है तो एक वो बंदा जो एग्रीकल्चर का नहीं है लेकिन स्टिल इसे आंसर करके आया होगा और इस बार IAS बनेगा, सर सोचिए कितनी मेहनत वो करते होंगे, हमने 4 साल पढ़ा है ना, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हमने पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि तो हमने सपना बड़ा नहीं देखा कभी भी। 1 2 3 4 देखो अब मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो जी इको फ्रेंडली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी है, लेकिन आती है बात 3 और 4 पे, क्या टेंशियोमीटर यूज भी इको फ्रेंडली है? ऑफ कोर्स यस, टेंशियोमीटर आप जब यूज करेंगे पानी की रीडिंग देगा, पानी आप कम यूज करेंगे पानी की वेस्टेज कम होगी, तो अल्टीमेटली इको फ्रेंडली पे आया ना। कम टू द ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अब अगर मैंने बोल दिया
जो मैंने बोला तीनों ठीक है, तो 1, 2, 3 मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है, डी भी राइट हो सकता है, उसमें 1, 2, 3, 4 लिखा गया है। सो ए और डी, एक या चार, अब क्या लगता है आपको? वर्टिकल फार्मिंग आपके हाथ में डिसीजन है, आप बताइए क्या वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली है? अगर है तो 4 का इशारा दे, अगर नहीं है तो 1 का इशारा दीजिए। ऑप्शन आपका 2 और 3 तो नहीं आएगा, 1 और 4 राइट आंसर होगा। लेकिन अगेन बता दूं, मेरा पर्पज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं है, माय पर्पज इज आपको समझाना कि पेपर में आजकल क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अगर आपका सपना बड़ा है तो मेहनत को बड़ा कीजिए। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग की बात करूंगा, वर्टिकल भी इको फ्रेंडली है ना, बहुत ज्यादा लैंड कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लैंड को आप जो है वो क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, और प्लस कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो, अल्टीमेटली इट्स इको फ्रेंडली। तो राइट आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ये यूपीएससी ने पूछा था, फिर से आपको बता दूं अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि इन सभी का डिस्कशन चल रहा है आजकल यार, कोरोना जब गया, देश साइड पोल्यूशन बहुत कम हो गया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, एयर क्वालिटी अच्छी हुई, जो डिस्कशन में चल रहा है वो आएगा। पोल्ट्री पॉलिसी न्यूज़पेपर के अंदर चल रही थी, किताबों में नहीं है किसी में भी, पेपर क्वेश्चन आया वहां से, इको फ्रेंडली पेपर में चल रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से यार पोल्यूशन बहुत डाउन हो गया, ये हो गया वो हो गया है ना, कितने सारे जानवर जिनको हमने जंगलों से बाहर निकलते हैं देखा, वो आज जंगलों से निकल रहे हैं, क्यों? उनको लग रहा है कि यहाँ पे अब शांति है, अब तो फिर से शांति खत्म होना शुरू हो गई। बट बात ये भी किसी किताब के अंदर नहीं था, डिस्कशन में चल रहा था, तो क्वेश्चन आया, पहला नाबार्ड का था, दूसरा यूपीएससी का, थर्ड जो पिछले हफ्ते पेपर हुआ है आरआरबीएसओ का, वहां से क्वेश्चन था, बोला गया विच मैप इज यूज टू मैप ओनर्स लैंड एंड बाउंड्रीज। ये भी मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसका आंसर तो बता देंगे, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला, मैं तो आपको सोर्स बताने वाला हूं कि पेपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, यही तो स्ट्रेटेजी है। इसने बोला कौन सा मैप है जो ओनर की लैंड और बाउंड्री को मीजर करने में यूज होता है, इशारा आप कर दीजिए जो राइट आंसर है। ठीक है, आपका इशारा ओके, आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप एक का इशारा कर दे रहे हैं कि सर कैडस्ट्रल मैप। अब एक काम करते हैं, जरा कैडस्ट्रल मैप के लिए ना, मैंने 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, चौथा नहीं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन कोई भी, बस 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को सर किताबें उठा के देखना, जो आपकी अच्छी किताब हो, है ना, दिखाना मुझे कौन सी किताब में से एक भी क्वेश्चन आया हो। आप बोलेंगे सर आपने तो वही क्वेश्चन उठाया जो आए नहीं है, आप और उठा के देख लीजिए, क्यों? क्योंकि किताबों से या फिर कहीं और से, स्टैटिक सोर्स से नहीं, आजकल चीजें बहुत डायनेमिक हो गई है। इसका आंसर आया कैडस्ट्रल मैप। अब आप बोलेंगे सर किताबों में नहीं, फिर कहां से पढ़ाई करें? मैं आपको दिखाता हूं कैडस्ट्रल मैप कहां पे था। सर कैडस्ट्रल मैप यहां पे था, आपकी जो स्वामित्व योजना, मतलब ओनरशिप की जो स्कीम है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि मेरी ये लैंड है, मेरा इसके स्वामित्व है। तो स्वामित्व योजना जो थी पंचायती राज दिवस पे आई थी, अप्रैल 24 को लॉन्च की थी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च स्वामित्व योजना या फिर ओनरशिप स्कीम। इसका काम क्या था, एम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ ड्रोन एटसेट्रा। सर स्वामित्व योजना अप्रैल 24 को आई थी, इस योजना ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम रेजिडेंशियल लैंड की ओनरशिप को डिसाइड करेंगे, किसके पास कितनी लैंड है, मतलब लैंड की ओनरशिप और लैंड की बाउंड्री चेक की जाएंगी। इस स्कीम के अंदर 10 बार वर्ड डिस्कस हुआ, कैडस्ट्रल कैडस्ट्रल कैडस्ट्रल, बिकॉज मैप तो वही यूज होगा ना। तो देखिए सर, क्या ये किसी क्वेश्चन बुक में था? नहीं था। क्या ये न्यूज़पेपर के अंदर था? ऑफ कोर्स यस। तो पेपर आपकी लाइफ को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, अगर आपके पास उसकी एक अच्छी हैबिट है तो। जबरदस्ती वाले 7 दिन नहीं, अच्छी हैबिट वाले अगर आप 10 दिन लगा, 10 दिन नहीं सॉरी, अच्छी हैबिट अगर आप डालेंगे और पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, कोई और आपकी जगह पे नहीं कर पाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, है ना। अब मुझे अगर क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो आपको मैं करता हूं 2 कैटेगरी अंदर डिवाइड। एक कैटेगरी वो जो कह रही थी कि बीएससी के बाद मुझे एमएससी करना है, तो मैं शुरू में बता चुका इजी है वो, आपको मैं फर्दर और कभी सेशन दे दूंगा कि आपके एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी कैसे कैसी और क्या क्या करनी चाहिए, बट एमएससी इज क्वाइट इजी। मुझे एमएससी नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड ऑप्शन में जाना है, मुझे यूपीएससी के साथ जाना है, नाबार्ड के साथ, एएफओ के साथ, या आरआरबी। व्हाट शुड आई डू? आरआरबी के लिए 2 साल की जॉब रिक्वायर्ड है, वह बीएससी की बात कर सकते हैं, अगर वो नहीं तो और मैं क्या कर सकता हूं। अब बाकी एग्जाम्स है, क्वालिफाई करने हैं, तो सर अपने आप को क्या करिए, सीक्वेंस में लेके चलिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए एक सीक्वेंस में लेके चलिए। सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले फोकस कीजिए आपका सब्जेक्ट, क्योंकि कहने को तो आपने 4 साल की बीएससी की होगी, बट मैं दावे से कह सकता हूं 90% लोग वो हैं जिनको एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं। अगर है तो बता दो फिर इको फ्रेंडली वाले का आंसर क्यों नहीं आया तुम्हें,
है ना, वो अलग बात है आप में से अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कर रहा आप लोग बुरे लोग हैं, बट बात ये कि हमारे माइंड में ना बचपन से ऐसा सेट किया गया कि बस 10वीं तक पढ़ाई कर ले फिर कुछ नहीं करना पड़े, बारहवीं पढ़ ले अच्छे से करना पड़े, अब तो कॉलेज है जिंदगी मजे लेते हैं, कॉलेज में पढ़ना तो पड़ता है लेकिन माइंड में सेट है ना जिंदगी मजे लेने हैं, तो हमने मजे में ज्यादा और पढ़ाई में कम बिताई है वो लाइफ, क्योंकि है आपके कॉलेज के वेबिनार और क्लासेस चल रही होंगी वहां पे टीचर ऐसी बातें नहीं करते होंगे, क्यों, क्योंकि टीचर लिमिटेड है, कैसे लिमिटेड है, वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, मेरे साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ जो रियलिटी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो टीचर गलत है, क्यों, उनको अपने अकॉर्डिंग बोलना है, वो हमेशा कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन बच्चा है पढ़ाई नहीं करेगा, वो उसको लग रहा है एंजॉय करो एंजॉय करो, ये चार साल तो एंजॉय करने के लिए मिले हैं, तो पूरा सेमेस्टर एंजॉय करता है, एग्जाम की रात को बैठ के पढ़ता है, अगले दिन पेपर देता है क्वालिफाई होकर आता है, 99% लोग यही करते हैं, 1% लोग पढ़ते होंगे, 99% का यही फंड है, लेकिन जब यहां पे आते हैं लोग, यहां पे आई मीन टू से इस स्टेज पे जब बीएससी पास कर ली, अब मुझे अब आंखें खुल जाती है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर का नॉलेज है नहीं, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो सर क्या कीजिए, सबसे पहले टारगेट कीजिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ शुरू हो जाइए, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वो करो, बिकॉज जो भी एग्जाम दोगे चाहे एमएससी एंट्रेंस दोगे या फिर आप कोई और दोगे, आपको एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बाद मुझे अगर कुछ चाहिए सर, सेकंड स्टेज है ना, फोकस कीजिए किसको, डेली के न्यूज़पेपर को, ये आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, आप में भी कुछ और पढ़ते होंगे लेकिन सच बता रहा हूं सर, ये जितने पॉजिटिव चेंज ला सकता है ना उतना पॉजिटिव चेंज कुछ और नहीं ला पाएगा, अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट इसे बना दीजिए, आप खुद देखेंगे 2 साल के बाद खुद को ग्रो होता। उसके बाद कुछ चाहिए तो सर इंग्लिश, दे विल से सर एमएससी एंट्रेंस में कौन सी इंग्लिश आती है, सर नहीं आती, लेकिन जब जाओगे ना अच्छे लोगों के बीच, जब इंग्लिश बोल रहे होंगे फिर भागना पड़ेगा वहां से, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, हु कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट करेज नहीं है उनके अंदर, हिम्मत नहीं है, नहीं नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत कौन सी है, बेरोजगार हो ना अभी कौन सी इज्जत आ गई है ना, बेइज्जती कैसे हो जाएगी, बस माइंड से वो डर नहीं निकलता, भूत नहीं निकलता, इंडिया में इंग्लिश नहीं, इंडिया में इंग्लिश का भूत बसता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इंग्लिश पढ़नी हो तो लैंग्वेज है, जिस बंदे ने हिंदी सीख ली ए आर ई ई उसके लिए एबीसी कहां मुश्किल है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट का भूत पढ़ाया जाता है जिससे बड़ी बड़ी दुनिया डरती है, तो अगर लाइफ में आगे जाना है तो इसको फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद अब आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है सर, उसकी तैयारी कीजिए, आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगेन मेक श्योर आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, लाइफ के गोल्स क्या है और कैसे कैसे उसे अकम्प्लिश करेंगे, सब चीज का पहले प्लान होना चाहिए। अगर आज मेरे माइंड में प्लान ना होता कि मुझे बच्चों कैसे कैसे क्या क्या बताना है, मेरा सेशन बिल्कुल बेकार जाता, क्यों, प्लान्ड नहीं होना, लेकिन मैंने रात में बैठ के पहले से प्लान कर लिया था कि मैं पहले एमएससी के लिए सारे ऑप्शन बता दूंगा, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बता दूंगा, फिर बता दूंगा कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो अब बात वही है, आपके माइंड में अभी तो मत डिसाइड करना क्या करना है, अभी आराम से सोचना, पहले देखना मैं क्या कर सकता हूं कैसे कैसे, उसके बाद करना, लेकिन पहले एक रोड मैप तैयार करना चलने के लिए, बिकॉज रास्ता नहीं हो तो आप मंजिल तक नहीं जा सकते, पहले रास्ता बनाइए फिर उस पर चलना स्टार्ट कीजिए, फॉलो मत कीजिए दुनिया को, ना मुझे फॉलो करो ना सीनियर को फॉलो करो, अपने दिमाग से पूछो मैं किस फील्ड के लिए परफेक्ट बना हूं। बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं सब्जेक्ट किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका स्कोप है, सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता, बंदे का इंसान का स्कोप होता है, इंसान के नॉलेज का स्कोप होता है, आपके इंटरेस्ट का स्कोप होता है, जहां पे आपको लगता है परफेक्ट है आप वहां पे जाइए, आप डेफिनेटली लाइफ में आगे जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अब आपके डाउट्स वेलकम है, जो भी कोई डाउट पूछना चाहता हो रेलेवेंट आपका करियर से तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, अगले 5 मिनट तक मैं वेट करूंगा, वेट नहीं करूंगा मतलब 5 मिनट तक आंसर करते हैं, कुछ ऐसा है नहीं तो सेशन को ओवर करेंगे और फिर आपको मिलेंगे दोबारा से किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, बिकॉज आज तो मैंने आपको सारा का सारा ओवरऑल बताया, कुछ बातें रह गई है वो हम जब स्पेसिफिक एग्जाम की बात करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। मधुसूदन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर आप खुद को वहां से, एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर, अनम्यूट जल्दी से, हाँ बोलें सर। हेलो सर जी, सर आईएफएस के बारे में पूछना था सर। आईएफएस के लिए देखिए पहले तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, प्री के अंदर क्या आता है, वहां पे एक पेपर जनरल का आ गया, फिर आपका क्या गया सी सेट आ गया, अल्टीमेटली यही है जैसा बाकी एग्जाम देते हैं, उसके बाद मेंस एग्जाम आएगा जहां पे आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू आएगा। अब बात ही कि आपको सीधा सीधा आईएफएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पहले आपको आईएफएस का सिलेबस देख के अपना एक बार ब्रेन डेवलप करना चाहिए कि मैं उस लेवल तक हूं कि नहीं हूं, तो न्यूज़पेपर के साथ जाइए और प्लस पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न तो पता होना चाहिए ना। तो प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, फिर मेंस के अंदर अच्छे खासे पेपर आते हैं वहां पे, और फिर इंटरव्यू। सर मैं क्या एसीएफ की तैयारी कर रहा हूँ,
सर ACF और IFS बहुत अंतर है सर. ACF तो बहुत छोटा एग्जाम है, IFS बहुत बड़ा एग्जाम है. अभी आप ACF एग्जाम दीजिए सर, ऑल द बेस्ट आपको. IFS के मैं अगले साल के लिए UPSC प्लान कर रहा हूँ, तो मैं डिटेल्ड क्लासेस दूंगा आपको YouTube पे भी, चिंता नहीं करें. बट फिलहाल ACF को टारगेट करो, अच्छा ऑप्शन है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ACF थोड़ा छोटा एग्जाम है, उसको पढ़ते रहिए, साथ साथ न्यूज पेपर को पढ़ते रहिए, उससे आपका काफी डेवलपमेंट होगा. और फिर आप ऑफकोर्स IFS को भी टारगेट कीजिए. डन सर. बाकी डोंट वरी, आपने IFS बोला मैं उतना आंसर नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास टाइम लिमिटेड है. मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको दूंगा डिटेल में. जी चंदन कुमार जी, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर अल्टीमेटली मैं तो UPSC IFS के लिए प्रिपरेशन करूंगा, बट सर पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिक्योर हो जाऊं, जिससे मेरा बैकअप प्लान बना रहा है. चंदन जी ऐसा आप नहीं, हर समझदार लोग करते हैं ऐसा. बहुत अच्छा आपका ये पॉइंट है जो आप सोच के चल रहे हैं, बिकॉज UPSC में आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे, गारंटी नहीं है इसकी. वो अलग बात है, मेहनती आप डेफिनेटली होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी. तो आपको बैकअप चाहिए ही चाहिए. आपकी क्वालिफिकेशन क्या, BSc एग्रीकल्चर है आप? सर I'm pursuing BSc agriculture in fifth semester. I'm in fifth semester. So if you are right now you're in fifth semester, so what you can target for now, as I discussed earlier, first of all you should have a habit to read the newspaper on daily basis. Second, आप जो agriculture पढ़ते हैं आपके BSc में, ये बहुत बहुत कम पढ़ते हैं, इससे कहीं ज्यादा required है. इसको detail में पढ़ना start कीजिए. आप fifth semester के अंदर अभी आपके 2 साल बचे हुए हैं. इन 2 ईयर्स में ना अपनी लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि BSc में कुछ ना बचे जो मैंने और पढ़ना हो. न्यूज़पेपर 2 साल स्टडी कर लो कि सर सच बता रहा हूँ, आप सीधा सीधा IAS वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 2 साल मेहनत करेंगे तो. बट मैं फिर से बताऊं, ऐसा 99% केसेस में नहीं होता. हम अक्सर वो इंसान है, खाना तब बनाते हैं जब भूख लगती है, अदरवाइज नहीं बनाते है ना. ये ह्यूमन नेचर है, हम तब तैयारी करेंगे जब टाइम आ जाए. लेकिन अगर आपने 2 ईयर्स तक डेली न्यूज़पेपर को पढ़ लिया और एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग कर लिया सर, आप डायरेक्टली फिर UPSC के लिए, फिर आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टिल अगर आप बैकअप सोचते हैं तो नाबार्ड सर, मैं लास्ट ईयर में मैं सर मुखर्जी नगर गया हुआ था. वहां पे मैंने उस माहौल में भी रहा, वो सब चीजें फेस भी की. बट सर मुझे तभी, वरना मैं इसके पहले तो UPSC पे ही टोटल मेरा फोकस पूरा का पूरा UPSC पे ही था. आफ्टर ऑल मुझे ग्रेजुएशन के बाद UPSC की प्रिपरेशन करनी है मुखर्जी नगर या फिर कोई दृष्टि IAS वगैरह किसी भी इंस्टीट्यूट से. तो सर फिर मैं जब वहां गया तो देखा इतने फेलियर्स. इवन अच्छे अच्छे लोग जो इंटरव्यू से बैक आ गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव चीजें लगी. तो फिर मैं सोचा कि पहले तो बैकअप बना के ही चलूं. कई लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा सर. मेरा सर सुने, सर शाहरुख खान को जानते हैं? यस सर. फारूक खान को जानते हैं? नो सर. फारूक खान, शाहरुख खान हिट स्टोरी वाला बंदा है, फारूक खान फ्लॉप स्टोरी वाला बंदा है. हिट स्टोरी सामने आती है, फ्लॉप स्टोरी हमेशा छुप जाती है. आप वहां जाके देख के आइए सब, के लोग वहां से जा जाके बाहर आ गए, सुसाइड कर, लेकिन ये फ्लॉप स्टोरी थी ना, ये सामने नहीं आ पाती. तो ये हार्ड रियलिटी है, हमें ये हमेशा समझना पड़ता है. सिलेक्शन वाला परसेंट 0.5 होता है, रिजेक्शन वाला 99.5 होता है. तो मेजोरिटी रिजेक्शन को ही फेस करती है. तो वही बात है, आपने जो पॉइंट बोला, जो वहां की रियलिटी देखी वो किस लिए थी, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं तो बनी जाऊंगा. लेकिन एक्सपेक्टेशन बड़ी मत कीजिए, हार्ट हमेशा एक्सपेक्टेशन करती है. अब लेट्स से आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बंदा मेरा आंसर करेगा, अगर मैं ना करता और आपकी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से तो आपको बुरा लगता. बट अगर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो बुरा नहीं लगेगा. तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं इसी साल सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन हाँ अपना 100% दीजिए और बैकअप हमेशा लेके चलिए. अगर UPSC माइंड में और एग्रीकल्चर से है तो नाबार्ड और IBPS AFO का बैकअप लेके चल लो सर, बेस्ट बैकअप है ये. सर बट माय इंग्लिश इज नॉट स्ट्रांग एट ऑल. Because sir, I'm from Bihar, then everyone says Bihari English is not good. ऐसा किसी ने सर, as I said, if you are an Indian, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है. अगर आप बोर्न इंडिया में तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, ऐसा सब कहते हैं. And even you are good, I have seen students who used to say my English is weak. आपकी तो weak है सर, उनकी weak होती है ना. आप सर वो बीक वाली स्टेज से ऊपर आ गए हैं, अच्छी खासी है. आपने शुरू में एक छोटा सा सेंटेंस ऐड किया, फिर हिंदी बोला, दिस इज नोन एज एफर्ट्स. लगाइए सर, आप डेफिनेटली इंप्रूव होंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि बिहारी नहीं कर सकता और यूपी वाला कर सकता है, पंजाब वाला कर सकता है. सर सब इंसान एक जैसे हैं, ये मत सोचिए. और बिहारी UPSC ज्यादा टॉप करते हैं भाई,
सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम रूरल एरिया देन मेरे एरिया में रुको आप एग्रीकल्चर से हैं तो फिर से सर एग्रीकल्चर में कौन से मेट्रो सिटी वाले आते हैं? मैं तो खुद मेरा गांव जो है मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर है, बस लेने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। ये, सर मेरा भी 5 किलोमीटर या फिर नॉर्थ या फिर साउथ 5 किलोमीटर सोचिए पड़ेगा। इंग्लिश को कुछ मत सोचिए, न्यूज़पेपर की हैबिट डालेंगे तो वो भी साथ साथ इम्प्रूव कर देगी। आप बस लग जाइए सर, 2 साल आपके पास है, नेगेटिव नहीं होना बट हाँ बैकअप साथ साथ लेके चलना है। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं, कोई और है भाई? अच्छा लगा, यूपीएससी के लिए लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सपना बड़ा देखना चाहिए, ऑफ कोर्स छोटा साथ साथ रखो लेकिन बड़ा सपना लाइफ में होना चाहिए। अगर सपने ही बड़े नहीं है तो फिर हम छोटे इंसान हुए ना। एक बार के लिए बड़ा करके देखो, होगा तो बहुत अच्छी बात है। योर नेम इज स्नेहल, स्नेहल शेखर। बच्चों पहले बता दो, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाथ को हिला रहे हैं और आंसर पूछना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बच्चे थोड़े से ज्यादा हैं और लिमिटेशन है तो मैं सभी से आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ 2-3 और लोगों से बात करेंगे। सर प्लीज बोलिए। जी सर, हम नेट के बारे में कुछ जानना चाहते थे, आप नेट के लिए कुछ प्रोवाइड कराते सर? अब तक तो सारे आप अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं मैटर्स। सर हम नेट के लिए भी कुछ थोड़ा सा सोचते हैं। सर हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूँ? हम सिर्फ एक ही जगह पे फोकस थे इसीलिए अच्छे से करवा लेते हैं, हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया था, हमने JRF को फोकस किया है। आप थोड़ा वेट कीजिए, JRF के तो नेट पे भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम स्पेशलाइज थे। डाइवर्सिफाइड एग्जाम जो होते हैं जैसे स्टेट एग्जाम है या फिर AFO है, NABARD है, अभी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके सारे मैटर्स हम पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा होता है, मतलब क्लियरली इजिली उसको समझना इजी होता है सर। बट अब हम लोग चाहते थे थोड़ा सा आप हाई लेवल का उस लेवल का भी देते तो बहुत बेहतरीन होता सर। चिंता हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है आपके सारे मैटर्स। यूपीएससी और जो स्पेशलाइज्ड नेट एग्जाम है हम फोकस कर रहे हैं इस पे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये एग्जाम ऐसे है ना, इनके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट लगाया कुछ हो गया इसमें, हम लोग के लिए टाइम निकल जाएगा तब तक। चलो सर कोशिश करते हैं, अभी तो नेट एग्जाम में थोड़ा टाइम है आपके पास, ट्राई करेंगे। ठीक है जी जी जी, डोंट वरी डेफिनेटली करेंगे सर। लास्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मेरी कोचिंग से रिगार्डिंग प्लीज मत पूछिए बिकॉज दिस इज अ वेबिनार एंड अरेंज किसी स्पेशलाइज बच्चों के लिए किया गया, बट आप लोग भी हमारे ही बच्चे तो हमने आपके लिए किया। कोचिंग की बात नहीं पूछनी है, नो प्रमोशन एट ऑल, कुछ और करियर रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हैं तो वो बोलिए। हाथ थोड़ा सा पूरा खड़ा करें। यहाँ पे है जी निशांत सिंह। निशांत के बाद में एक और डाउट लूंगा, पूरा हाथ खड़ा कर लेना जो पूछना चाहता हो फिर ओवर करें। सर बताएं जी। निशांत जी सर मैं अभी तो IBPS AFO ट्राई कर रहा हूं सर जी, और मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूं सर कि एग्जाम क्रैक हो जाए जी, और दिमाग के कोने में सर UPSC है और मैं इसके लिए एफर्ट डालूंगा। हाँ। पर थोड़ा सा इस बात का डर है मेरे मन में सर कि IBPS AFO कंफर्म हो जाता है इसके बाद जॉब लगने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि एक टेन्योर बहुत लंबा हो जाए, मैं UPSC के लिए ना लग पाऊं या डी फोकस्ड हो जाऊं। डी फोकस्ड है, ओके सर। एग्जांपल देता हूं एक, पता क्या होता है अभी रीसेंट का एग्जांपल है, मैं जब जयपुर गया था लॉकडाउन से पहले की बात है, एक स्टूडेंट है मेरी वो मुझे मिली थी और उसका स्पेशलाइजेशन था हॉर्टिकल्चर। उसका सेम क्वेश्चन था कि अगर मैंने इन डाइवर्सिफाइड एग्जाम को टारगेट किया तो मैं अपने फोकस से हट जाऊंगी। आई सेड एक काम करते तो अपने फोकस पे चल, हॉर्टिकल्चर से MSc कर ले, हॉर्टिकल्चर उसके बाद क्या करेगी। शी सेड सर इन एग्जाम की तैयारी करोगी तो जो 2 साल बाद करना है अभी क्यों नहीं किया। एंड अच्छी बात यह है कि वो इस टाइम पे जैसे परफॉर्म कर रही है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपका मानना क्या है कि अगर मैं जॉब लग गया, मैंने उसका एग्जाम्पल क्यों दिया बिकॉज वो भी स्पेशलाइज थी हॉर्टिकल्चर से, उसको नहीं आता बाकी कुछ लेकिन आज अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? बात ये नहीं है कि उसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर खा रही है, बाकी बात ये कि आज उसके प्रेजेंट में डेडिकेशन है उसके पास। जब इंसान डिसाइड कर लेता है ना सब हो जाता है। बट निशांत जी थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप CWG FCI में चले गए तो ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, और अगर आप AFO में चले गए सर टाइम नहीं, थोड़ा सा ये जॉब जो है हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है। यहाँ पे सुबह सुबह उठो और तैयार होके चले जाओ, शाम तक जब तक आओगे टाइम तो बचेगा लेकिन एनर्जी नहीं बचेगी बिकॉज सोशल मीडिया आप जब चलाते हैं ना चैट को, नींद बड़ी जल्दी आती है, घर वालों से बैठ के बातें कीजिए 10 घंटे तक नींद नहीं आएगी क्योंकि एनर्जी बहुत ले जाता है। तो बैंकिंग वाला वर्क ऐसा है, तो ट्राई कीजिए, बैंकिंग की तैयारी करो सर। आज का टाइम ऐसा है जॉब बहुत कम हो रही है, आप ये छोड़ नहीं सकते कि नहीं ये अच्छी जॉब नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो लोग ये कह देते हैं कि वहां वर्क प्रेशर ज्यादा और कम है, जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। अक्सर मैंने उन लोगों को देखा है
जो कहता है कि मुझे तो लड़की पड़ी हुई चाहिए, गोरी चाहिए, उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्यों फिल्टर लगा देते हैं, वो फिल्टर मत लगाइए। लेकिन हाँ, AFO के साथ साथ ना अब आप FCI CWC कोई स्टेट जॉब है उसकी भी तैयारी करते रहो। कल को स्टेट जॉब मिल जाए ना जहां पे आपका सैलरी कम हो उसको ज्वाइन कीजिए। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अनुराग ठाकुर BHU का स्टूडेंट है मेरा, ये इस साल MSc कर चुका, उसका IBPS AFO क्वालिफाई हुआ है, उसका PSB पंजाब एंड सिंध में क्वालिफाई है, उसका UP का TA भी क्वालिफाई है। यूपी का TA उसे जस्ट सैलरी देगा 20-22 हजार की, बट बंदे के सपने बड़े हैं, उसने IBPS AFO को छोड़ के अपनी स्टेट जॉब सेलेक्ट की, क्यों उसके सर, सपने बड़े हैं तो उसे उसके लिए बैकअप रखना है। जी सर, एक क्वेश्चन मेरे पास और है ना सर, मैं अभी तो AFO के लिए ACC में लगा हूं और ये चीजें चल भी रही हैं, साथ साथ मैं द हिंदू को भी फॉलो कर रहा हूँ जी। तो जहां तक मैंने आपसे कहा सर UPSC माइंड में है, तो क्या द हिंदू के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी मैं अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दूं या फिर अभी से डिले करूं? नहीं, अगर आप UPSC फोकस कर रहे हैं, फिलहाल AFO पे हैं, तो आप न्यूज़पेपर डे, क्योंकि अगर आप सिर्फ AFO पे हैं तो मैं न्यूज़पेपर को बोलूंगा एडिटोरियल पेज और एग्रीकल्चर न्यूज। अगर आप UPSC भी लेके चल रहे हैं, फिर बिजनेस पेज को पढ़िए, एडिटोरियल को पढ़िए, एग्रीकल्चर न्यूज को भी, थोड़े बहुत जो करंट में हो रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आपका काफी टाइम ही लेके जाएगा। तो अभी के लिए चलने दीजिए, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। थैंक यू सर, वेलकम। लास्ट क्वेश्चन यार, ये आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हो? अच्छा अच्छा, ये तो रहमान साहब है। ओके रहमान साहब, मुझे कुछ लिख रखा आपने यार, आप मजे ले रहे हैं। चलो, और किसी का है तो हाथ खड़ा कर लें। आप मेरे प्यारे भाई है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, बट मेरा हाथों पे कंट्रोल नहीं होता, जब मैं ऐसा कुछ देखता हूँ ऑटोमेटिकली मेरे हाथों से माउस चला जाता है वहां पे। आप जाग जाए सर, गुड मॉर्निंग है। लास्ट क्वेश्चन अनुराग वर्मा जी से लेते हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अनुराग वर्मा आपका ही तो नेम है सर, जल्दी से अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट, पहले अनम्यूट करिए आप। अरे कितना प्यारा बच्चा है। अरे सर अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, वहां पे ये जूम पे पहली बार क्लास ले रहा है। हाँ, सर सर मेरा BSC फर्स्ट सेमेस्टर है BSC एग्रीकल्चर से। आपने बहुत जल्दी क्लास ले लिया भाई। सर AFO की तैयारी करना चाहते हैं। कौन से कॉलेज से आप BSC कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह PG कॉलेज हवेरा सफाई में बना हुआ था। अच्छा, आप UP से हैं? यस सर। सर आप एग्रीकल्चर पढ़े, आप कुछ और नहीं पढ़े, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हैं आप अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, आपको न्यूज़पेपर ये वो सब बातें इग्नोर करनी है क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो। अभी के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़िए, सफिशिएंट है वो। यस सर, ठीक है। वाह बच्चे, सर आप देखिए, मैंने आपको बोला ना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, आप ईमानदारी से बताओ, तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पता था AFO के बारे में? उसको पता है सर, देखो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन, ऐसे ही कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है। चलिए, होप सो मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो महाराष्ट्र से है, आपके लिए MCAR का जो एग्जाम है उसके लिए भी एक स्पेशल सेशन में ले लूंगा, बिकॉज ये स्पेशली आपके लिए ही था, क्योंकि सर ने मुझे करियर गाइडेंस बोला था, तो मैंने उसी थीम पे इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया कि आपको करियर गाइडेंस में क्या क्या चाहिए। लेकिन हाँ, अब अगर आप एक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं AFO के लिए कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस YouTube पे है, उससे आप समझ जाएंगे। MCAR की ही बात करता हूँ, उस केस में फिर आपको एक स्पेशल वीडियो दे देंगे। इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है। मिलेंगे फिर से आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।